गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा पर सर ट्रांसफर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी मिश्रा सर से बात हुई रजनीश जी से। आपको सर मेल वाला नहीं खुल रहा है सर? आज सुबह भी की है मैंने आपको। अच्छा मैंने आज सुबह की है सर, मैंने एक मेल आपको जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर के तौर पे, उसमें लिंक भी है, मैं दोबारा कर देता हूँ आपको। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक ही मेल है आपका, हमेशा उसी पे आपसे मैं कॉल। हाँ तो उसी पे मैं भेजता हूँ सर हमेशा आपको। एक सेकंड सर, मैं आपको अभी कंफर्म करता हूँ भेज के। अभी सर देखो मैं आपको इसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सुबह में मैंने आपको 9:15 पे भेजी है, मैं इसी को दोबारा भेज रहा हूँ। एक मिनट सर। हाँ सर याहू डॉट कॉम वाला, kkapoor40@yahoo.com। आ गया सर, अभी आ गया सर आपके पास, आप एक बार चेक करो सर, नहीं तो मैं फिर आपके फोन पे भिजवाता हूँ। आप तो लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे ना सर? हाँ सर मेल देखो एक बार, आ गया आपको, इसमें लिंक है सर। सर प्लीज सर कर लो सर ज्वाइन आप प्लीज। हाँ थैंक यू सर, ट्रांसफर सर। अशोक सर, यस सर। सर प्रोफेसर रजनीश मिश्रा सर भी ज्वाइन करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, और ठीक है सर। कपूर सर ज्वाइन करने वाले हैं, उनको अभी मैंने लिंक दोबारा भेजा है, तो अभी वो बस मेरे कल 1-2 मिनट में ज्वाइन कर। हाँ ज्वाइन कर लिया सर ने सर। कपूर सर ने हाँ सर अभी बस आधी आधी से 1 सेकंड पहले ज्वाइन किया अभी। ओके
और प्रोफेसर मैडम वाइस रिस्पॉन्स। चांसलर को मैंने वैसे मेल तो कर दी थी कल हाँ तो मैं फिर फोन एक। कर देता हूँ उनके पीए को, फिर हाँ आप एक बार कर दो, कॉल कर देता हूँ। ठीक है। सर ट्रांसफर्स, सर सर अनम्यूट कैसे कर हैं? दीजिए। देयर आई एम। नमस्ते ट्रांसफर सर, जी। अरे सर वेरी गुड सर मॉर्निंग नमस्कार, सर। गुड मॉर्निंग, सर गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड सर गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। एंड सो मेनी पीपल आई नो हियर। आई कैन आई डू आई सी यस रीनू यादव ऑल्सो? यस सर, शी इज देयर। नॉट येट। नो शी इज देयर सर, शी इज देयर सर, ओके। शी इज हाँ जॉइनिंग। डेजी जी, डेजी जी इज देयर। ऑनरेबल वाइस वाइस चांसलर चांसलर दे मैम आर इज देयर। प्रेजेंट फॉर नमस्कार जी, नमस्कार जी। वाइस चांसलर मैम इज देयर। नमस्कार नमस्कार, सर, नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार गुड मैम, मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, 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 गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट एवरीबॉडी। यू सर। दधीच जी, प्रोफेसर दधीच जी, महेश जी कैसे सर हैं? प्रणाम सर। वेरी नाइस टू सी यू सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ अशोक नमस्कार जी, सर, हाँ डेजी जी, नमस्कार, नमस्ते। अब तो पहले मैंने नमस्कार कहा। मैम। अशोक जी कैसे हो? अशोक जी को सर सर मैं बधाई बिल्कुल ठीक दोबारा हूँ दे सर। दीजिए। हाँ अशोक जी मुबारक को तो इनको ऐसे ही थोड़ा मुबारक देंगे, इनसे मुबारक लेंगे। ये थैंक ठीक है सर, यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर बिल्कुल। ब्लेसिंग्स। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। ये तो मैम का सारा इनिशिएटिव था। मैम आप का तो कब से आशीर्वाद कब है का सर। वेट कर रहे थे? यस जी सर, जी सर, सर, यस सर। कब का वेट कर रहे थे आप? बहुत बहुत बिजी हाँ थे। ये तो टू लिटिल टू लेट है, पर ये चलिए हमेशा ऐसे ही होता है जी, जिसके हाथ से काम होना होता है अच्छा, बस। उसी हाँ के हाथ से होता है। जी, इट्स ऑलवेज देयर एंड जी यू नेवर नो कौन करेगा, किसके द्वारा हाँ जी होगा। सर, हाँ जी, ये भी ईश्वरीय कृपा ही होती है सर, हम जी जी जो बिल्कुल कर बिल्कुल। सके। और हु एल्स इज देयर? डेजी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट एंड यंग एंड व्हाट नॉट। सर आई ऑलवेज लुक स्मार्ट टू यू, आपकी ब्लेसिंग्स हैं सर बस। हाँ जी ये देखिए मैडम, बीसी मैडम, ये जी सर, डेजी और ये अपने रविभूषण जी और हाँ इनके जी ऑफिस में एक नमस्कार लड़की है मैम, मीनू, मीनू। हाँ जी, ये तीनों थे ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। दे आर वेरी एक्सपर्ट्स, ग्रेट एक्सपर्ट्स। इनको तो ठेका दे दीजिए तो ये इंटरनेशनल बस कॉन्फ्रेंस करा देंगे, हमने ठेके देख पे करा लिया सर, देंगे। हमने देख लिया सर, इस बार भी तो इन्होंने ही कराई है फिर। ये अच्छा रविभूषण जी अच्छा पे जी, ऑलमोस्ट, हाँ हाँ जी, हाँ जी, रविभूषण हाँ जी, जी, हाँ जी, हिमांशु जी और अशोक जी। अभी डेजी उस समय थोड़ी बिजी थी, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थी, बट हाँ जी। थैंक यू फॉर आई रिलीविंग मी ना एट एंड आई दैट एम टाइम, यस वेरी हैप्पी टू सी यू बैक, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा लग थैंक रहा है। यू। तो जो क्लाई की अभी इन्होंने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करवाई सर, हाँ जी, हाँ जी, ये वो बहुत था, यू हैव बीन विटनेस टू इट। यस, आई यस बहुत लिसन टू मेनी पीपल देयर। यस यस आई डिड। मैम, और वो अभी जो हम ये काम कर पाए सर की ब्लेसिंग साथ थी, वही काम सबसे अच्छा बहुत होता, अच्छा, इनका अरे आशीर्वाद इनका लेके इनका बढ़ते हैं मैडम बीसी जी। मैम, आपसे कह रहा हूँ मैं, हाँ आप जी, इनका जो लर्निंग रिसोर्स सेंटर है ना, हाँ जी, उसका जो मेन कमरा है, हाँ जी, आप वहां जाके बैठिए ओके ठीक एवरी डे। है सर, वो बड़ी सिद्ध सिद्ध स्थान है ओके सर, आपने मुझे अब एंड यू बताया विल फील, यू विल बताया फील वेरी पीसफुल देयर, वेरी सो पीसफुल, नाइस सर। देखिए सर, वेरी इन्होंने ये पीसफुल। सीक्रेट मुझसे छुपाए रखी 3 साल तक, थैंक्स फॉर शेयरिंग वेरी दैट। पीसफुल, वेरी यू विल एक्चुअली ओके ऑल एक्सपीरियंस पीस। राइट सर, वो शांत जगह है वो। अवश्य जाऊंगी फिर। सिद्ध स्थान के बारे में तो मैडम कभी कभार ही बताते हैं, कभी कपूर हाँ साहब। वही तो, अवश्य जाऊंगी सर। ऐसे ऐसे सीक्रेट सर ने बहुत बताए हैं मैम हमें अच्छा अपने 4 साल के स्टे के दौरान, और उसके बाद से तो ये एसोसिएशन लगातार चली रही है। और सर ने तो अच्छा समय देखा होगा, हम आप तो जानते हैं शांति की काफी आवश्यकता होती है। जी मैम बिल्कुल, वेल सेड मैम। नहीं, वन हैज ऑलवेज टू वर्क फॉर इट, वो तो है इंडीड ही। इंडीड सर, यस और अपने अंदर हो पहले तो अपने आप बाहर भी फिर दिखनी, धीरे धीरे फैलनी शुरू हो जाती है।
जी जी सर, ये अजीत बाबू आए हैं शायद, अजीत सिंह। अजीत सिंह सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। ग्लैड ग्लैड टू सी यू बैक बैक फ्रॉम कोविड। कोविड, यू आर ए कोविड वॉरियर। यस सर, यस सर, सर सर। अभी बेटर फील। मैडम एक दिन मैंने इससे बात की और ये इतना खांस रहा, छींक रहा, ये तो मैंने कहा क्या कहते हैं, ऐसी फ्लू है। मैं क्या फ्लू नहीं है, इसे खूब डांट लगाई मैंने, धमकाया कि तू तू आज ही शाम को डॉक्टर के पास जाएगा, ये फ्लू फ्लू नहीं है तेरा। 8-10 दिन से सर, ये तो स्टडी लड़का है, स्टडी स्ट्रांग बॉय है, ही पुट इट अप 8-10 दिन। अदरवाइज यू नो ए पुट टू इग्नोर इट फॉर 8 डेज, इट कैन बी वेरी बैड। ट्रू सर। ग्लैड ही केम आउट ऑफ इट वेरी नाइस सर। सर मैं एडमिट कर रहा हूँ इस बात को, सर आपने मुझे बचा लिया। उस दिन अगर डांट नहीं लगाते ना तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता और मुझे बहुत दिक्कत हो जानी थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं बताता, कोई और बताता, बिकॉज यू आर रियली बैड। बस सर, हाँ सर, काफी दिक्कत हो गई थी, बट सर बस यू हैड फॉरगॉटन इवन तेलुगु। We will not extrapolate on this. We shouldn't. Actually, Telugu के बाद सर मैंने Portuguese भी सीखी थी। अच्छा जी। ये तो sir, then he went to Brazil. हाँ, then he went to Brazil. Yeah. Yes. Yes, sir. Sir. Shall we begin, sir? Ajit Singh, that this tall. Tall Jat, handsome Jat, he always runs the risk. He runs the risk of meeting different languages. Sir, 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 please. Namaskar, sir. Thank you. Rinu, namaste. अरे रीनू, तेरे से मेरी कुट्टी है। तू इतने देर हो गई, तूने बर्फी नहीं खिलाई वहां की, है महेंद्रगढ़ की। सर एक्चुअली अभी पिछले 4 महीने से मैं बॉम्बे में हूँ, नहीं तो मैं जरूर खिलाती आपको। अरे बॉम्बे में, बॉम्बे इज बैड दीस डेज, वहाँ काफी करुणा बहुत ज्यादा है वहाँ। सर अभी कंट्रोल हो गया है काफी इधर, पहले के कंपैरिजन में। व्हाई आर यू इन बॉम्बे? सर आई एम इन नवी मुंबई। नवी मुंबई के पास हूँ सर मैं। क्यों हूँ वहाँ? क्योंकि सर हमारी यूनिवर्सिटी भी क्लोज हो गई है 1 महीने के लिए, तो आई हैव कम टू माय हस्बैंड्स प्लेस। आई सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए रवि भूषण जी, आप अपना कार्यक्रम शुरू करिए। प्रोफेसर मिश्रा सर नमस्कार। रजनीश जी इज माय, रजनीश जी इज माय वॉकिंग लाइब्रेरी। यू नो यू कैन आस्क हिम एनीथिंग एंड ही विल टेल यू। आई वाज इनफैक्ट टुडे इटसेल्फ आई आस्क्ड हिम बिफोर दिस लेक्चर, आई आस्क्ड हिम बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन के रसो वैसा, दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम विच उपनिषद, आई हैड फॉरगॉटन एंड देन ही टोल्ड मी, सो देन आई टोल्ड हिम दैट यू आर ए मैन ऑफ मिडिवल एज, बिकॉज इन द मिडिवल पीरियड लाइब्रेरीज यूज्ड टू बी मेड अप ऑफ पर्संस, यू सी ए पर्सन विल क्रैम ए बुक, सो सपोज आई गो इनटू दैट लाइब्रेरी एंड आई आस्क, आई वांट टू रीड अष्टाध्यायी, they may say, oh, he's sitting on that table. Ashtadhyayi is sitting on that table. So you go there and Rajneesh will start speaking the Ashtadhyayi. Vriddhi Radhecha Deng Gun. What a treasure, sir. He is a great scholar. I can publicly declare. Bahut badhiya. Haan ji, Ravi Bhushan ji. There is no need to introduce. ऐसे ही हम तो घर के आदमी हैं। पर सर कुछ लोग जुड़े होंगे बाद के भी, शायद बाहर से भी जुड़े हैं कुछ लोग। यस ओके, तो हम सबका ज्ञान बांट लेने दीजिए उनके साथ।
हम तो आपको जानते हैं, अच्छी बात है ना, पर सब पीढ़ियां जाने. मैडम शैल वी बिगिन? हाँ जी प्लीज. थैंक यू मैम. विद द परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर, लेट अस प्रोसीड, बिगिन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे. Honorable Vice Chancellor, respected Professor Kapil Kapoor, Professor Rajneesh Mishraji, all deans and heads, faculty members of the university and from other universities as well, dear students, a pleasant good morning to you, or I should say a pleasant morning to you. Today we have assembled here for the second lecture of the invited lecture series on Indian classical texts. In fact, it's a wonderful initiative taken by the Department of English under the leadership of the worthy chairperson, Dr. Ravi Bhushan. And the first text that is so seminal, that is a classic, is Natya Shastra. So all of us agreed upon having a lecture series on Natya Shastra, because knowing Natya Shastra is so very important. And now that it is prescribed for us in almost all the universities, thanks to Professor Kapil Kapoor, who in fact became a flag bearer in this particular initiative as well. In the 60s, when nobody actually talked about Indian aesthetics and texts like Natya Shastra. So the first lecture of the series was delivered by Professor Rajneesh Mishra. He is also there in the meeting. And the lecture was introductory in nature. That was the title, Introduction to Natya Shastra. And let me tell the august gathering that his lecture was in fact so enlightening for our students. We received a very positive feedback from our students about Professor Rajneesh lecture, his introductory lecture on Natya Shastra. So this second lecture, initially, it was planned that Professor Kapoor would be delivering the third lecture of the series. The second lecture was to be delivered by Professor Dhananjay Singh from JNU itself. But then due to some engagements, these minor modifications are to be done. So we welcome Professor Kapil Kapoor ji. And as he always says, no introduction, please. But Madam has saved us by saying that there might be some newcomers and they should know about Professor Kapoor. Before coming to his formal introduction, I feel overwhelmed. Because I went down the memory lane when in 2010, Professor Kapoor joined the department as a visiting professor. And though his stay with us officially was till 2014 only. So 4 years stay with us in the department. But then the association, It's lifelong and it continues till date. And he, in fact, is the guiding force behind the department. I remember the department was still in its nascent stage when Professor Kapil Kapoor joined. And it won't be an exaggeration if I say that he is actually the mentor of the department. And people like us, we were youngsters in early stages of our career. And he, with his affability and humility, he in fact shaped us, refined our tastes, and
it was he who in fact steered us into reading literature, and obviously we owe everything that we have as a department. I'm sure all my colleagues would agree. We owe everything to Professor Kapil Kapoorji. What to talk about him? I mean, his humility. He in fact becomes the epitome of the phrase "Vidya Dadati Vinayam," and he would very humbly say when we would talk to him. Actually, he gave us space to speak our mind, and whenever we would comment on his erudition. Obviously, rather compliment him for his erudition. He would say, I would quote verbatim. Obviously, I'm quoting Professor Kapoor now. Sir, please correct me if I'm wrong. Ki, aray, Ashok ji, samandar ke kinare khade hone se hi, takne tak to pair bhigi jate hain. So this is his humility. And these quotable quotes we use again and again whenever we talk to our students. Thank you, sir. Thank you for making us teachers. Whatever we are because of you, sir. However, there would be some newcomers. So for them, I would like to say that Professor Kapil Kapoor, he in fact retired from Jawaharlal Nehru University as professor of English in 2005. And presently, he is the chairman of Indian Institute of Advanced Studies at Shimla. He has so many accomplishments, so many achievements to his credit. He is also the chairman of editorial committee of Indian Historical Records, editorial committee for Indian Historical Records, National Archives, and he is also the chairman of Indian Policy Foundation, New Delhi. Formerly, he was pro vice chancellor, Jawaharlal Nehru University, a concurrent professor in the Institute of Sanskrit Studies. He has also been the chancellor of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Vardha. He has been a member as well as a chairman of so many high-powered committees. A few of them are, he chaired an MHRD, Ministry of Human Resource Development, Language Expert Committee to develop comprehensive language policy for India. His erudition is beyond any kind of doubt, and he has as I told in the beginning, he in the very early years of his career decided to sensitize people about Indian aesthetics. And texts like Natya Shastra, they are seminal. We know them only because of Professor Kapoor, the likes of him. He has also been the editor-in-chief of Encyclopedia of Hinduism. It was published in 11 volumes. He is also the chief editor of Sahitya Akademi-sponsored Encyclopedia of Indian Poetics. It's a UNESCO project, and it's likely to be published very soon. Thanks to Rajneesh ji. Yes, of course. Thanks to Rajneesh ji. He is completing it these days because my eyesight is now poor, and he has done a lot of 2 years work on that. Yes, sir. Oh, yeah. I stand corrected. Sir, I may go on. No, I think you know,
talking about you and all those reminiscences, but then I'm afraid we might lose the entire session. So it's over to you, sir. We welcome Professor Kapoor on behalf of the university. And now I hand over the dais to Professor Kapoor. Thank you, sir. Sabko namaskar. Vice Chancellor Sahiba ko namaskar. Ravi Bhushan ji, jinhone ye idea shuru kiya ke teen lecture karane, unko bhi namaskar. Ashok ji ko namaskar. Hezi ko namaskar. Reenu ko namaskar. Rajneesh ji ko namaskar. Dajit ji ko namaskar. Ajit Singh ko namaskar. Aur ye Shwanti and Mukti and Deepti, Niru, all these people who are there, Komal and others, everybody who is here, actually present or not visible, sabko mera namaskar. I am, as pointed out by Ashok ji, I am standing in for Dhananjay Singh, who was also like, should I say that, Ajneesh ji, that you were once my student? You don't mind now if I say? And so Dhananjay was, I think, Rajneesh ji's student also. So in a way, Dhananjay Singh is a grand student. And he was ill. He was ill for many days. He had COVID and he was not able to make it. So I'm standing in for him. I said, okay, I'll give the second lecture and then you give the third one. And बाकी जो इतनी लंबी लिस्ट अशोक जी ने पढ़ी काफी भयानक लगता है ना सुन के सब कुछ इतना कुछ लग के मतलब डरावना सा लगता है पर आई अश्योर यू इतना डरावना मैं हूं नहीं मेरे से जब बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या गिनाते रहे लोग ये तो हमारी तरह ही हैं हर एक आदमी की तरह हैं ऑर्डिनरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मी इज वट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो दैट वी आर ऑल टीचर्स And a teacher, the chief qualification of us is that we are teachers. And teaching is something, you know, its effect, its contribution cannot be measured. You know, it goes for generations. And nothing more need be said once you say that you are a teacher. And second, I think, thing is that, you know, quite often in life, it is a matter of getting right kicks or wrong kicks. So all the so-called achievements are simply getting right kicks. Theek samay pe kick lagi, aur theek aadmi ne kick lagai, and you go up a notch or two, or you get into something, in some committee or some university or something. I have a long, I think, 62nd year of my teaching now. This is 62nd year. I'm now 81. And I was started teaching at the age of 19. So in this long 61 years, my feeling is that it was all collapsed into 1 second. I don't have the sense of passage of so much time. I mean, I can still recall my first class and me standing in that first class and teaching Ode to the West Wind. Ode to the West Wind, that was the first text I taught. And Rajneesh ji is smiling because he knows the story, what happened after that. I might as well tell you the story because ye serious baatein to bahut hoti rehti hain. I taught, naturally, it was my first class, and I was very fresh from my Delhi University MA, full of English, full of the received pronunciation, Queen's English, aur muh upar karke pura 50 minute dhara prabah Ode to the West Wind padhai. Very satisfied with myself after the class, and as I came out, A small boy, you see, in those days, it was used to be first year after matric, they used to join college. So pre-university something. So a small sick boy, he followed me. So I saw him coming to the staff room and I saw that he'll come and say, Ke, sir, aaj lecture bahut achha tha.
सो ही केम एंड टोल्ड मी कि सर आज जो आपने पढ़ाया वो तो गलत था, आपने गलत पढ़ाया। मैंने कहा भी क्या गलत पढ़ाया? बोले सर वर्षा तो बारिश तब होती है जब पुरवैया चलती है, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड पे तो बारिश नहीं होती। और आप तो सारा 50 मिनट यही पढ़ाते रहे कि वेस्ट विंड वही और बादल आए और वर्षा होती रही। यू सी, यू कैन इमेजिन, कैन यू गेट ए मोर इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर योर टीचिंग देन दिस? ही इमीजिएटली मेड मी अवेयर ऑफ द लोकेल, द कल्चर, द कल्चर एंड द ज्योग्राफी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ एनी लिटरेचर, द कल्चर एंड ज्योग्राफी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफी। एंड आई बिकेम, इन फैक्ट दैट ड्रू माई अटेंशन टू द फैक्ट that teaching English literature to Indian students is some kind of a unnatural or a distant exercise, because it's something that we are telling, something we are talking about which is largely alien to them. ये तो बड़ी मोटी बात थी कि geographic की गलत है, यहाँ तो बादल आते हैं जब पूर्व से आते हैं तभी बारिश होती है, वो वहां तो इंग्लैंड में वेस्ट से आती है तब होती है, पर ये बताना चाहिए था, नहीं बताया था। और इसको बट मोर सीरियसली, देर आर यू नो एलियनेशन इज देयर, बिकॉज आई रिमेम्बर द मिथ ऑफ वॉन्डरिंग जू, फॉर एग्जाम्पल द मिथ ऑफ वॉन्डरिंग जू इज अ रेकरेंट मिथ इन नॉट ओनली इंग्लिश बट यूरोपियन लिटरेचर। And I think 90% of people who talk, discuss, teach, read literature, they are not exactly aware of what it means, the wandering Jew, and how that wandering Jew in a way lies behind the rhyme of the ancient mariner also. So there are cultural allusions, cultural connections which have to be extrapolated, because after all Western tradition is also a very powerful tradition. Western tradition has three sources: Greek, Christian, and Hebraic, Judaic. So three very powerful traditions have gone into the making of the Western tradition. It's a very rich intellectual tradition. And when we decide to talk about Indian texts or the need to study Indian tradition, it's not because the Western tradition is not worthy of study, but because if we know our own tradition, we will be able to better appreciate the Western tradition. We will understand the Western tradition better if we understand or know our own tradition. I am fond of repeating what Bhartrihari said in the 5th century, that what does he know who knows only his own tradition? For the mind acquires a critical acumen by interacting with other traditions. This was 5th century AD, when a great Indian mind said that you must interact with other traditions. Otherwise, your critical acumen will not develop. Unfortunately, we reached a point where we did know something about the other traditions or tradition, but we did not know anything about our own tradition. So we studied British literature, and via English language, we studied Greek literature, we studied European authors, Russian authors, French authors, we read them all, but we did not produce anything out of 150 years of that study, 150 years of that study. We did not produce anything. Unlike Europe took to Sanskrit studies in the 19th century, beginning of the 19th century. And in the 19th century, because of that interaction with the Sanskrit studies, Sanskrit classical tradition, they produced great minds, whether you call Schopenhauer or Schelling or
you know, Hegel or whoever, any 19th century German or European, any great mind was either a Sanskritist or had done Sanskrit somewhere. And they produced great minds. For example, Saussure, Ferdinand de Saussure, the father of structuralism, from structuralism to postmodernism, post-postmodernism, and post-post-structuralism. You have the entire European thought, and at the head of it is a man, Saussure, who was a professor of Sanskrit. So they studied Sanskrit, but they produced great minds, and they produced also a new thought, a new system of ideas, structuralism. And they also produced a new discipline, historical linguistics. So Europe interacted with the Indian tradition, but produced so much. We interacted with the British and the Western tradition, but produced nothing. Because when Europe started studying the classical Indian tradition, they did not abandon their own. They did not give up their own tradition. They approached the Western Indian tradition from the point of view of the Western tradition. And the interaction was a proper interaction. They stood on their own ground. And on standing on their own ground, they interacted with the classical Indian tradition. And that's how they produced. So it was this kind of idea which came to me long back when I became a university teacher. And I thought that the great omission or absence of Indian knowledge from the Indian universities is a very great or grave absence. And that accounts for the fact that we have not produced any great creative minds in arts or humanities or social sciences. We did have one or two extraordinary minds in sciences, like C.V. Raman and others, but we produced no great mind in arts, humanities, or social sciences. So, decided to, through the chance, as I said, it's a question of right kicks. I met a right teacher in the beginning in Delhi when I was doing a postgraduate diploma, and I met a very right teacher, and I had, I accidentally collided with Panini. I was today mentioning Panini again when I said the medieval. I collided with Panini and was extremely delighted to know that he was a Punjabi. Because till then, people used to tell me that Punjabis are not intelligent people. They are not very scholarly people. They are more latwaj than, अर्जुन को जैसे भगवान कृष्ण फाइनली कहते हैं ना कि तू अपना लाठी चला तू छोड़ बातें लंबी चौड़ी ये ज्ञान वगैरह की तो व्हेन आई लर्न दैट पाणिनी वाज ए पंजाबी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया इट इंट्रीग्ड मी एंड इट हैज स्टार्टेड एंड वेंट ऑन नाउ आई हैड मूव्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू JNU एज ए टीचर एंड introduced certain Indian texts, Indian streams of ideas, like general courses on Indian aesthetics, Indian poetics, we called it, Indian grammatical tradition, Indian philosophical tradition, and slightly later on, I introduced courses in specific texts. The four major texts I used to teach in the class, and they were textual courses, you see, one text only one text for the entire semester. So there was Natya Shastra, there was Panini Ashtadhyayi, there is just one moment, let me. Sorry, at the gate.
somebody at the gate. And yes, so my chain broke. Rajneesh ji, what was I saying? You said about the courses on Natya Shastri in JNU. The textual courses, four texts. I call them texts of Indian intellectual tradition. Texts of Indian intellectual tradition. One was Natya Shastra, second is Panini Kashtadhyayi, third one Bhartrihari's Vakyapadiya, and the fourth was Patanjali's Yoga Sutras. Now, these texts, they evoked a great surprise and great interest among other teachers in JNU. And they were particularly intrigued by the fact that what will MA English students do with Panini's Ashtadhyayi, which is a grammar of Sanskrit. Sanskrit nahi hai, grammar of Bhasha. He called it Bhasha, he never called it Sanskrit, but then it is Sanskrit. And I had to explain that, you see, in a Indian tradition, knowledge tradition, the disciplinary boundaries are not as rigid as they are in the Western tradition. Because the Western, particularly medieval time onwards, Middle Ages, with the church scholarship, monasteries scholarship, there were very clear boundaries between temporal and religious and secular and non-secular, and then sciences and the arts and sciences and philosophy and so on and so on. This happened more in the early parts. Europe escaped this after the 19th century, when Europe took to the Indian tradition in a big way. But England and America, Anglo-American world, did not escape this rigid disciplinary formations. But in Indian tradition, knowledge is one, unified one. Knowledge cannot be segmented into different domains. It cannot be done, it is believed. Therefore, when you are doing, let's say poetry, you will certainly need to know grammar. And when you are doing philosophy, you will need to know grammar. And when you are doing grammar, you will need to know philosophy. When you are doing Indian poetics, for example, Indian aesthetics, you will need to know Sankhya, you will need to know other philosophical systems and the entire philosophy of language. When you do the Dhvani school, for example, Dhvani school in poetics, figurative language, suggestion, you certainly need to do the whole notion of Dhvani, sound, in the Indian grammatical tradition, for example. That the Dhvani, that you will need to know that, unlike the West, sound is an ontological element in the Indian sciences. So in the Vaisheshika Sutra, you see dhvani is one of the ontological tattvas. Tattva hai jo pre-existing tattva mane jate hai. So we used to study Natya Shastra not to teach histrionics to the students, not to teach how to act and all that, but we studied it as a text of a semiotics of communication. How do people communicate? How is communication achieved? And what are the different sources of communication? So, for example, language is one. Body, human body itself is an instrument of communication. Body itself is an instrument of communication. The stance of the body and the dance by the body. You see, the body stance, the way you stand, the way you hold your neck when you're talking or saying something, or where your eyes move when you are singing or when you are talking, and where you smile gently or very, very gently when you are expressing some idea. You see, these are very sophisticated means and modes of communication. So you have language, you have the body, and you have the objects. You know, for example, any object on the stage, any object
you, if you hold an object, if I just hold this pen, you see, then then I used to see this pen, there will be certain thoughts and vibrations, certain notions. Your mind will be registering something. And objects on the stage, for example, the stage properties, they are the objects. They communicate so many things. And then you have music, and then you have, of course, dance. I have already included along with Rajesh ji. This is a new combination, the stance and the dance. You know, the stance, body is the element, and it's a stance and it's dance. You see, these are two modes of communication. Of course, dance and music, they combine Geet, Sangeet, or Naritya. Geet, Sangeet, or Naritya, all the three combine for communication in various ways. So it was the science of it. Natyashastra is a text of communication, and we taught it as such. And naturally, it is one book in whose name you have the word Shastra. No other, for example, Mimamsa Sutra, Vaisheshika Sutra, no text is called Shastra. This is the only one which is called Shastra. And it is not a Shastra. The interesting thing is, it is the only one which is called a Shastra, but it is not a Shastra. It is not a Shastra technically, because a Shastra is composed in a Shastraic style, Sutraic style. A Sutra is an abbreviated statement, generally a verbless statement, and it is so brief that it can't be made briefer. You know, as Rajneesh ji knows, that a grammarian said that a grammarian is happy if he can reduce the rule by a varna, by a sound, than at the birth of a son. He is more happy when he is able to reduce the length of the rule rather than the birth of a son. So you can ask why this abbreviation, why so much no stress on abbreviation, because ours was, has been, and is an oral tradition. And in the oral tradition, the text had to be kept in the mind. And you can't keep in the mind War and Peace of Tolstoy, or unless you are given the task to do it, and you are given 3 years to do it, and you become a library text. You become a textbook in the medieval library by studying and remembering War and Peace. But these texts, all the learned texts, intellectual texts, had to be kept in the mind. So they were all composed in a very abbreviated style, Sutraic style. It is in Panini, for example, it is a verb. There are no verbs in the Panini Sutras. There are no verbs. And in Sutraic style, a highly abbreviated style. So this, they are not called Shastra, they are called Sutras. In fact, the word Sutra is used for entire philosophical literature also. Sutra literature. A technical intellectual literature is called Sutra literature. So this book is called Shastra, but it is not a Shastra because it is not written in the abbreviated style at all. It has prose portions also, and it has karikas also. So it is written in another style. But it is a Shastra in another sense. The function of a Shastra was, the function of a Shastra used to be, to be used for teaching, a book which is used for teaching. It is a teaching work meant for teaching. So you want to teach interpretation of texts, then you teach Mimamsa. You want to teach ontology, then you teach Sankhya. And you want to teach some day. So the Ranga, tell him not to interrupt here, please. It breaks my sir, beech mein kuch khana hota hai? Nahi, khana nahi hai. Wo asal mein beech mein koi prashn poochne hai. Theek hai.
So somebody is working at home, so he asked some question, and you know, because I am an example of oral tradition, because I don't read from a written text, and I don't have a written lecture, so I speak. So I am the exemplar of oral tradition always. Even when I was visiting professor in UK for 5 years, I used to lecture like this, and they used to be amazed. And they used to say that you are going to see a miracle. They used to call it a miracle, that Professor Kapoor will start speaking. He will first juggle with one or two papers. He will hesitate. And then when he picks on, then you will wonder when he will look at the paper. He will not look at the paper. And so that is an art, that professor said, that is an art which we in the West have lost. Because हमारे यहाँ भी बहुत चेष्टा की गई है कि रट्टा रट्टा लगाना बड़ी गलत बात है. रट्टाफिकेशन और रट्टाफिकेशन. In fact, nothing will harm the Indian mind more, the Indian intellectual tradition more than reducing the importance of memory. You know, putting things in your memory, even in your computer, unless you load the memory, you can do nothing. No operation is possible unless you load the memory. So unless you have something here, how can you think? How can you permute? Vimarsh kaise karenge agar yahan kuch hai hi nahi? So this was a oral tradition where texts were kept like this, and they were used. Now they were used to teach. Because they were very abbreviated, a teacher was always needed. A teacher who understood the book. And not only that, because every single sutra had to be explained at length. So we developed a large body of literature called a Tika Parampara, commentary literature. And commentaries are composed by minds which are as great, if not sometimes greater, than the author of the original work. For example, Patanjali, who wrote the Mahabhashya, composed the great commentary on Ashtadhyayi, by no stretch of imagination, he is a mind inferior to Panini. In fact, is a multiply gifted mind of Patanjali. And in no discipline, your study is complete unless you read the original text and then you read the commentaries. So Natyashastra itself has a long commentary tradition. That is why in our even in modern times, some of our great teachers, they used to devote themselves to one book, one text. Jindagi bhar ek pustak pakdi, usi pe padhna. Abhi ye jo ya ek discipline strictly rehta tha. Ab jaise Subramanya Iyer, who retired finally from Lucknow University around 1965, you see, he devoted all his life to Vakya Padiya by Bhartrihari, three chapters, three cants, and he did such good translation of that book into English. You can say that usne udhar kar diya, unhone Vakya Padi ka udhar kar diya. Vakya Padi padhi hi nahi jati thi till he produced that, you know, 1, 2, 3, third volume is in two sections, and then one additional. So there are almost six books which are translation of three cants of Vakya Padiya, which he produced. And over a period, lasting for almost 11 years, it took him 11 years. It was not a Sahitya Academy translation of 10 rupees a page, that you can translate a book in 3 days or 4 days. It took him 11 years to do that. So Natyashastra has a long tradition, and it is about Natya. You see, Nat also is a form. It's a form in the Loka, folk arts. Nat is a form. Nat is a performer. Nat. And Nautanki is also there. You see, that is a smaller particular variation of what is this nut about?
what is this nut word about? It is about performance. Performance. Anything which is performed. Anything which is performed. And Natya Shastra is a text about performance. I use the word enactment. Enactment. Enacting something. Enacting something. And it's a just as the nut we know, he was the man who will walk on the rope with a huge bamboo, you know, balancing himself. So he's a performer. And every performance is nut. And Natya is a dramatic performance. You know, a performance around a play. Around a play. A performance around a play. And just as Naritya is dancing, and Naritya is a dance. Naritya is dancing, and Naritya is a dance. Is a dance form. Is any dance, it's called Naritya. So Nat and Natya, performer and performance. And Natya Shastra is not a prescriptive text. It doesn't lay down anything. No Indian text, please engrave it in your mind. No Indian text is prescriptive. Even Ashtadhyayi is not a prescriptive grammar. Indian texts are all descriptive. Descriptive. They describe. So Natya Shastra describes how in the world, loka, you know, people perform. And how is the performance done? What kind of language is used? What kind of characters play what kind of roles? And what is the difference? You see, what kind of person should perform what kind of role? You know, and all this they describe from their experience in the loka, in the folk, public life. So it's a descriptive text. And it is amazing because it is encyclopedic. I mean, a man who even the gestures of the hand, you know, not only in the dance, because in the dance you have those postures, positions of the hands, like a lotus and like that. But then, even in normal life, if you read Natya Shastra, you will find, you're amazed to find how close observation has gone into his description of the hand position, the arm position, or the movement of hands and arms when people are even talking, just talking. For example, he tells us that when we are talking of something or someone, when we are talking of someone who is dear to us, then our hand will move towards ourselves. My friend. And when we are talking of something we hate or we don't like, then our hand will move away. Hey, uska chodo. Hey, usko chodo. Uski baat mat karo. Uski baat mat karo. Haan, ye hui na baat. You understand? Now, this kind of detailed observation of not only the main body, but the limbs, even the eyelids, the pupils of the eye, the chin, the nose, the bend of the neck, everything is classified. Rajneesh ji will remember that in the 90s class, which was a very good class in 94-95, they said that, sir, this cannot be the work of one man. It is an encyclopedic work. How can one man? But you know, we are asking these questions from our own immediate context. Because hamare yahan, we people do not depend on our personal anubhav. Hum ghoom ke duniya dekh ke baat nahi karte. Hum TV dekh kar ya akhbar padh ke ya kitab padh ke duniya ki baat karte. We don't directly experience the world. In fact, now actually we are talking of virtual. And virtual, but it had started becoming virtual long back. Even if you read a book about something, it is virtual. It is virtual. If the actual and the virtual begins, the division begins much early. It is not only with the computer and
internet and all that, Wi-Fi and so on, so on. But it's there. So those people, for example, it is recorded that Panini moved around India for 10 years. He moved around India with his band of disciples and observed the people's speech, how people spoke the language, and recorded it. There were no recorders, but recorded it here. His disciples recorded. He had given tasks to different people, just as it's not a fiction. How have major texts like the Rig Veda come down to you up for 5,000 years without even a single sound in the wrong place? How have they come down to us? When Shakespeare's plays, which were written when the Caxton Press was already in existence, the plays were printed. But even then, you have textual scholarship even today. You know, whether the text of this this line is actually Shakespeare's, or is it Marlowe's line in this play. So there are doubts in 500 years, even when the printing press was there. But there are no doubts about the Rig Veda after 5,000 years. How did it come down to you? Because they developed a very elaborate science of pararemy. You see, kind of how remember that phonetics was the first science to develop in India. So they developed phonetics, they developed morphology, they analyzed the language, and then they recombined the text. They took a text, analyzed it, then recombined it in various ways, you know, different ways, recombined it, and then gave a different combination to a different person to remember, And so that there were 15 bright minds who remember 15 permutations of the Rig Veda or something. More than that, in fact. So anytime you want to reconstruct the text, even in spite of the human error, or even if the one person disappears, is not there, you are able to reconstruct the text. If you think this is not possible, let me remind you of Max Müller, the man who is like Manu and Max Müller are abused the most in India. Everybody abuses these two people, Manu and Max Müller. Manu ka ji jati, bina pade. Nobody read. Because these days we don't read books. We read about the books, but we don't read books. We don't read books, we talk about the books. And the actual, it is all utilitarian, you know. Functional. We use a book for something, to beat somebody with or something. So Manu and Max Müller. Max Müller is abused. कि जी वो Christian missionary था और उसने ऐसे translation करे जान के ताकि people के mind में, because somebody said that, you know, he wanted to show how silly these texts were. Now imagine. You say this about a man who worked for 62 years on Indian manuscripts, broken, fragmented, decayed manuscripts. He would collect those, get those manuscripts for him. And from those broken, fragmented, torn manuscripts, he rebuilt the texts. He rebuilt 23 Indian texts, rebuilt. 23. And whenever somebody abuses Max Müller in my presence, I tell him ke bhai sahab, aap pehle ek kitab to bana do manuscripts mein se. Itne manuscript padhe hain jo logon ne padhe hi nahi. Take one, edit hi kar do, use chhapwa hi do. To jis aadmi ne 23 granth banaye, granthon ka nirman kiya aapke phate tukdon se, aap usko to gaali bade aaram se de rahe ho. 23 texts he rebuilt, and for 62 years. And at the end of it, you know, he was more than 80, I think, 84 or so, 80. He was asked by somebody that you have spent all your life on Indian texts, Indian knowledge.
how come that you never visited India? You have never gone to India? He said, well, when I had time, I didn't have the money. Now I have no time. I have to complete so much work. If at all I go, if at all I go to India, I will like to go to Varanasi. And now listen to this and tell this to people who abuse Max Müller. He said, if at all I go, I like to go to Varanasi and be cremated there. And be cremated there. You see, so people who say he's an agent of Christian missionaries because his chair was endowed by evangelical people. You see, you should say it that. Now, Max Müller reconstructed the Rig Veda in 19th century. And in Indian tradition, the person who reconstructs the Rig Veda, because remember, I have an article, maybe you have read, maybe you haven't, not that you have to read, all my articles are second rate, but if you run into it someday, loss and recovery in the Indian tradition, loss and recovery. I think Rajneesh ji has read it, of course. There is hardly anything that he hasn't read. So loss and recovery in the Indian tradition. We have had cycles in Indian law, India's long history. Remember, we are the only surviving civilization of the 46 human civilizations that have been there. We are the only surviving living civilization. Of course, we are fond of abusing our civilization also. But then it's a fact that we have survived. We have survived not just as an inert body, but as a living civilization for so many years. But in the long history, there have been periods of loss and recovery. Loss. For example, after the Mahabharata war, we all know that Janmajaya held a yagya in Delhi's Nigambodh Ghat. That Nigambodh Ghat is where Nigamo ka bodh hua. Nigam means Vedas. Vedas ka bodh hua. Although today it is known only as a cremation ground. And everybody says, hey, I'm going to Nigambodh Ghat. But Nigambodh Ghat was a place where Janmajaya held an assembly of the learned people, to reconstruct the texts which were lost during the world, during almost world war, the Mahabharata war, the great Mahabharata war, in which great minds, they were either soldiers or they were driving chariots or they were, you know, massaging horses. In that, so many people must have been involved because 36 lakh casualties in 2 days. So you can imagine how many other people must have been there. So there have been periods of loss and recovery. And we have a Vyasa Parampara. Vyas is not the name of an individual only. Of course, the Mahabharata is attributed to a Ved Vyasa. But Vyas is a parampara, a tradition. And it is a tradition of rediscovering, recreating the lost texts. And there have been 28 Vyasas in our tradition. That means 28 times Indian knowledge was lost. I think last time it was lost during the British period. It is lost in our education. And now we are in the process of recovery. We are recovering it at this point. But Janmajaya and Mahabharata is a very definite idea that it was lost. And it was Saraswati Rishi who reconstructed the Rig Veda. And then Vyas and then others. The last person to reconstruct the Veda was Max Müller. And you know Max Müller, what he said, why I have come to was a long, long story, because I was telling you that the Rig Veda has come down to us because it was stored in the mind. It was stored in the mind in different combinations. And at any time you could reconstruct the text, authentic text. Now, Max Müller said, even if all the copies of the Rig Veda are lost, you can reconstruct the Rig Veda from the minds of the Brahmins. You can reconstruct the Rig Veda. So it stays here. These days, as I said, let me complete the circle. Hum ratification kehte hain.
इफ अगर अगर स्मृति नहीं है, मेमोरी नहीं है, अगर आपके माइंड में ही कुछ नहीं है तो आप सोचेंगे क्या. इट इज ए टोटली रॉन्ग नोशन, पेडागोजिकल नोशन टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कीपिंग द टेक्स्ट. आई यूज टू टेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द माई टीचिंग इन JNU, नियरली लास्ट पार्ट, दैट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ए बुक, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ए बुक, यू टेक दैट बुक एंड स्टार्ट राइटिंग इट. यू राइट इट योर सेल्फ, उसको कॉपी करो, कॉपी इट इन योर हैंड राइटिंग, कॉपी द बुक इन योर हैंड राइटिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड द बुक मच बेटर देन यू विल डू बाई रीडिंग इट वेन यू कॉपी इट. बिकॉज वाइल यू आर कॉपिंग यू विल बी थिंकिंग, वाइल कॉपिंग यू विल बी थिंकिंग एंड यू नो देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ एंड ए लिंकेज ऑफ थॉट. सो दैट्स हाउ अभी रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए हैं 2 दिन पहले. ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट माइंड वाराणसी में थे और लाइक मोस्ट ऑफ दीज स्कॉलर्स प्योर प्योर पर्सनैलिटीज, प्योर दिखने में भी प्योर, थॉट्स में भी प्योर, सोचने में भी प्योर. आई मीन प्योरिटी वॉज द हॉलमार्क ऑफ सच पीपल. पंडित भागवत शास्त्री आई यूज टॉक अबाउट हिम ऑल्सो एंड रेवा प्रसाद द्विवेदी जी. रेवा प्रसाद द्विवेदी जी सेज दैट when he wanted to translate Bhoj Shringar Prakash, he sat down and he wrote the entire, copied the entire Shringar Prakash by himself in his hand and then started translating, you see. And I met a boy in Madhya Pradesh who was giving a MPhil viva and he had worked on Rhyme of the Ancient Mariner. So I asked that boy, कुछ लाइनें याद हैं सुनाओ रैम में. इसे सर पूरी पोइम याद है, पूरी पोइम याद है सुनाओ. एंड ही नरेटेड द होल पोइम. आई सेड नो क्वेश्चन, गो, यू आर अवार्डेड पीएचडी, यू आर एमफिल डिग्री. इज ए पर्सन हु हैज दैट पोइम इन हिज माइंड, ही अंडरस्टैंड्स इट, ही नोज इट, अदरवाइज ही कांट सिंग इट द वे इट शुड बी संग. अनलेस यू नो द मीनिंग यू कैन नॉट रिसाइट. सो यू हैव टू नो द मीनिंग. You have to know the text, the morphology, the syntax, where the pause is, where the pause is not there, how is a tetrameter, broken up into 4 parts, what are those 4 parts, all these things. So, anyways, it's high time that I come to the subject, It is my habit not to talk of the subject, but to talk of other things. But then, Natyashastra says, there are 11 elements of drama, 11 elements. आपने अगर एरिस्टोटल का पढ़ा है तो उसमें 4 या 5 हैं, प्लॉट है और करेक्टर है और एक्शन है और एक वो है जो भाग खड़ा होके उसके बारे में बोलता है, 4, 4 or 5, these are extraneous elements about drama. But Natyashastra counts 11 elements, and ras is the first of the 11 elements of drama. Ras is first of the 11 elements. What has happened? Something. Yeah, everybody is back. 11 elements of drama. Ras is the first one. Ras and bhava. Now, in order to understand ras, you will have to understand bhava. Bhava. Abhi bhi hum, in our common language, if somebody speaks harshly to you, loudly, shouts at you, and you become upset, then somebody will tell you, "Arey, uska bhav dekho, usne kyun kiya aisa? Bhav dekho." ये ना देखो कैसे चिल्लाया. अब सपोज करो आप आगे गड्ढा है, आप जा रहे हो और आप देख नहीं रहे, आपका पैर गड्ढे में पड़ने वाला है, तो अरे अंधी है क्या, अंधे हो क्या, देख नहीं रहे, तो आपको बुरा लगेगा. बट देन द पर्सन विल टेल यू, उसका भाव देखो, वो तुम्हें बचाना चाहता था उस गड्ढे से. तो भाव इज फ्रॉम भू धातु. भू धातु मीन्स बी, होना. एंड भाव इज समथिंग, something that is,
a being, something, something which comes about, something which comes about, जो बन जाता है, हो जाता है, और किसी कारण से बन जाता है. तो भाव is a very important because it is the भाव which leads to रस. तो भाव, रस, भाव, अभिनय, performance, enactment, acting, अभिनय is acting. धर्मी, characters, वृत्ति, mode, mode of performance, whether it is a dance drama or is it a non-dance drama, जैसे श्री राम कला केंद्र की रामलीला, और जो आपके गांव में होती है और जो शहरों में होती है, हर एक की अपनी अपनी वृत्ति है, अपनी अपनी वृत्ति है, उसका टेक्स्ट भी अलग हो सकता है और परफॉर्मेंस भी अलग है. एंड देन यू हैव प्रवृत्ति. प्रवृत्ति इज द अपीयरेंस. द फॉर एग्जांपल एनीथिंग डन इन द आसाम एरिया एंड एनीथिंग डन इन द अफगान एरिया, यू सी, विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट. ऑब्वियसली डिफरेंट. अगर पठान रामचंद्र जी बनेगा या एक अहम, असम का अहम जिसका कद छोटा होता है, वो रामचंद्र बनेगा, तो वो दे विल लुक डिफरेंट एंड दे विल इवोक डिफरेंट फीलिंग्स, इवोक डिफरेंट फीलिंग्स. सो प्रवृत्ति एंड सिद्धि. सिद्धि इज हाउ मच इट हैज सक्सीडेड, हाउ मच यू हैव सक्सीडेड. उसकी रियलाइजेशन, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, इफ यू आर performing the role of a saint, how much of a saint appears in your performance. आप saint perform कर रहे हो, cigarette पी रहे हो सामने बैठे, तो वो sainthood तो नहीं होगा ना. You remember Charlton Heston? Charlton Heston was a great actor who performed in Bible. He performed in Old Testament. He performed in Ben-Hur. He performed the role of, and he also performed the role of a saint in a film. After which, he became a monk. उसने इतने ये religious role किए कि he became a monk. So real. He went so deep into that. How successful you are in portraying the actor. You remember, I quote this, that in the fielding ka Tom Jones, fielding ka Tom Jones, usme in the beginning, Tom Jones and Partridge is his friend. They are coming back after watching a Shakespeare play. And in those days, Garrick was a very celebrated Shakespeare actor. Jaise baad mein Richard Burton came to be known for playing Macbeth, you know. So Garrick was in the 18th century a very renowned Shakespeare actor. So they are coming back after watching Shakespeare play Hamlet, and Partridge is praising many actors. That actor, how well did he perform that grave digger, you see, and how well he performed the mother of Hamlet. And then Tom Jones says, but nothing like Garrick's performance of Hamlet. जो है Garrick ने perform किया, तो you know what Partridge says? उसमें क्या acting है? किसी की भी माँ अगर मरेगी तो ऐसे ही करेगा जैसे वो कर रहा था. So you see, he says कि there was no acting. Garrick में तो कोई acting ही नहीं थी. वो तो कोई भी ऐसा जिसको experience होगा वो ऐसे ही करेगा. That is the siddhi of performance. That it becomes, people forget that you are acting. Isi tarah, let me mention to you, I have an occasion to mention, in 1945 mein ek film bani thi, Meera, 1945 mein. And in that film, the actress who played Meera was M.S. Subbalakshmi. You can imagine M.S. Subbalakshmi in 1945. She was a very, very, very piously beautiful woman. You know, M.S. Subbalakshmi. And you can imagine when she was a 16-year-old girl, she played Meera. And she sang all the bhajans also. Usme koi music director nahi tha, usme koi songwriter nahi tha. Kyunki Meera ke jo apne bhajan the, Meera ke bhajan jo the,
वही वही उसकी सॉन्ग्स थे. तो मीरा में इन दैट फिल्म यू सी एज यू इट्स लाइक एन एपिक. इट इज इन फोर पार्ट्स. इफ यू वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग योर मूड इंटेंसिफाइज एंड व्हेन यू रीच द एंड द फिल्म एंड्स ट्रू टू मीराज ओन लाइफ. इट एंड्स इन द द्वारकाधीश टेम्पल वेयर कृष्णा एक्चुअली appears before Meera, and Meera's self is absorbed in Govind, in Krishna. That is her own real life also. And when you see that film, and when you see that point, and you see that Meera singing, vyatha, vyatha ko samjho, or ab to, and you know the way, pleading with Krishna that now it is our last moments, will you come or not? When you see that point, and then you know actually when Krishna appears, she runs towards Krishna, the body drops, and a light enters Lord Krishna. Believe me, at least I had forgotten at that moment that I am watching a film. I had forgotten that it is a film. It was so real, so real. And there were tears, you know, streaming down the eyes, listening to that pleading. And I forgot the whole sense of, so that is the Siddhi, the performance. And then you have Swara, that is sound, in different forms, speech, music, and all that. Then you have the instruments of music, then other instruments. Then you have song, gaan, and then you have rang. Rang is the stage. These are 11 elements of drama, and these are naturally quite different from Aristotelian drama. And ras is the first. Now, ras is a very ordinary word. Ras is a very common word, and in our ordinary day-to-day life, we often say, if we see something very beautiful, if we see something very nice, we say, ras aaya, it bada ras aaya isme, bada ras aaya, bahut ras aaya isme. And the word originally comes from mercury, you know, ras meant mercury, para, and mercury jis tarah pliable hota hai, pliable होता है, moving होता है, moving. तो रस is something which moves yourself. Your whole self is moved, reshaped by something. And that, for example, if you are very happy, then you know your whole self. You can't say I am happy here or I am happy here. Your whole self is transformed. Transformed, changed. There is a mercurial change in your property. That's why you call it a rasa. So rasa mercury ka tha. It came to cooking. Or cooking mein 6 ras hote hain, hai na? Meetha, namkeen, tikha, khatta, hai na? Aur astringent hota hai. 6 ras hote hain. Wo ras hain. 6 ras in food. But there are 8 ras in art, 8 in art, and they are different from the ras in food. What is ras? The first thing that we have to know is what is ras. Well, it has. I have translated it as state of being. T.S. Eliot translates ras as sentiment, sometimes as sentiment, sometimes as emotion. But it is not sentiment or emotion. It is state of being. Ek aapka self ek shape le leta hai. Dukh mein aur sukh mein, pura self aapka shape le leta hai. So that state of being is ras. And the ras are 8 रस. आजकल हम नव रस कहते हैं,
नाइन्थ होता है शांत, मानते हैं कि शांत रस है, पर आठ आठ ही गिने जाते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, देन रौद्र, देन विभत्स, देन भयानक एंड अद्भुत, एट रसेस, आठ। अब दीज आर स्टेट्स ऑफ बीइंग, ह्यूमन, ह्यूमन स्टेट्स ऑफ बीइंग। अगर आप नाट्य शास्त्र का पूरा स्ट्रक्चर देखें, इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू टेल रवि भूषण जी के वो मेरी किताब में से वो जो फिगर्स है ना, 5.2, 5.3, 5.4, 1, 2, 3 and 4, 5.1, 2, 3, 4. If you can make copies of those tables, charts, and you give it to people, you know, they will see the Rasa theory, Rasa Siddhant very clearly. You see? Ab Rasa is a state of being, और जिसमें श्रृंगार है, करुण है, हास्य है, विभत्स है, अद्भुत है, ये रस हैं। शांत को रस नहीं माना गया आठ में, शांत को नौवा रस कहते हैं, क्योंकि all states of being have to finally end in शांत। सुख या दुख जो भी हो, ज्यादा हो, क्लेश या अकलेश, वो अल्टीमेटली शांत में ही जाना होता है। घर में माँ कहती थी बच्चों को, कोई बच्चा बहुत कूदता था ना खुशी में, तो माँ कहती थी बस कर, जितना हंसेगा उतना ही रोएगा, अब शांत हो जा, अब शांत हो जा, शांत हो जा, हंसने पे शांत हो जा, रोने पे तो कहते थे अरे कोई नहीं, अब शांत हो जा, शांत हो जा। सो हर स्टेट ऑफ बीइंग जो है, ये क्या है, हम शांत रस में होते हैं, बच्चा शांत रस में होता है। इसलिए जब आप एक दिन के बच्चे को भी आप डालोगे, देखो वो अपने आप कई बार स्माइल करता है, यानी किस चीज को देख के स्माइल करता है, क्या दिखता है उसे या क्या होता है, वो स्माइल करता है, वो शांत रस में होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो पहला एक्सपीरियंस उसका ये होता है कि जिसको वो देखता है, फॉलो करता है माँ को, उसे काफी देर माँ नजर नहीं आती तो फिर वो रोने लगता है। तो जब ये जो दुख है, ये एक एक प्रकार का हवा का थपेड़ा है, जिंदगी की हवा का थपेड़ा, जिससे के वो दुख होता है। और जिंदगी की हवा के जो थपेड़े हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस ही जो हैं, वही रस हैं, वही सारे वो भाव हैं, जैसे रति है, लव है, हेट है, एंगर है, ये सारे जो भाव आते हैं, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स रिस्पोंडिंग टू द एक्सपीरियंस, दीज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, लाइफ में ही ऐसे होता है। रस थ्योरी ड्रामा की थ्योरी तो बनाई गई, पर रस थ्योरी ड्रामा की नहीं है, रस थ्योरी लाइफ की है। हमारे साथ समथिंग हैपन्स टू अस एंड व्हेन दैट समथिंग हैपन्स, इट अफेक्ट्स अस डीपली एंड वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन, एंड व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन, देन आवर अपीयरेंस, आवर बॉडी, our face, our voice, everything changes because we are grief stricken. As compared to if we have a very joyous experience, again our body changes, our voice changes, our eyes change, but they change according to the experience, joyous or grief stricken. Something happens, and what happens affects you deeply. It affects you inside, but that inside, what happens inside, it has a visible manifestation outside. इसलिए हमने देखा हुआ है कि जब किसी को बहुत दुख होता है, किसी को, कई लोग बहुत दुख को पी जाते हैं, बहुत दुख के बाद साइलेंट हो जाते हैं, और कई लोग जिनको बहुत दुख होता है
तो वो रोने लग जाते हैं ऊंचे ऊंचे, कुछ लोग सर पीटने लग जाते हैं, कुछ लोग अपना सर दीवार में मारते हैं। तो ये जो विजिबल मैनिफेस्टेशन है, विजिबल मैनिफेस्टेशन, ये उस जो आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ जिंदगी में, जो जिसने मुझे मेरे अंदर जाके ऐसा गहरा कोई घाव किया के जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे मेरा पूरा एक्सटर्नल सेल्फ बदल गया। ये जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसको अनुभव कहते हैं नाट्यशास्त्र में, अनुभव। और जो होता है, जो होता है जिसके कारण जो 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 भाव, लेट अस से ग्रीफ, चेकऑफ की कहानी है ग्रीफ, आप कहानी पढ़िएगा, ग्रीफ दुख, शोक, शोक जो होता है वो किसी कारण से होता है, जिस कारण से होता है उसे विभाव कहते हैं। अब जैसे इन दैट स्टोरी ग्रीफ, आयना पोटापो, द ओल्ड कैब ड्राइवर, ही लूजेस हिज सन, ही लूजेस हिज यंग सन, एंड दैट यंग सन, ही हैड, यू नो, ही हैड ब्रॉट हिम अप वेरी केयरफुली, ही हैड नो मदर, दैट चाइल्ड हैड नो मदर, ही हैड ब्रॉट हिम अप, एंड ही वाज होपिंग दैट व्हेन ही ग्रोज अप ही विल ड्राइव द कैब and then old man will sit peacefully. And he grew up, he started driving the cab, but it just 1 month after that, that young man died. So he is grief-stricken. And the story opens with Ayna Potapov sitting immobile in his cab. Barf pad rahi hai, Moscow ki shaam hai, barf pad rahi hai, aur wo barf bhi nahi hata raha, sar bhi nahi hila raha, immobile baitha hai. Grief has turned him into a statue. Grief has made him a statue bana diya. So anubhav jo hai, ab jo agar aapko wo kahani ko aapne drama banana hai, play banana hai, to jo vyakti Ayna Potapov ka role karega, wo uska abhinay enactment aise karega, wo is deep immobility, taake देखने वाले को लगेगा, उसको देख के देखने वाले को लगेगा कि इसे बहुत दुख है, किसी चीज का दुख है, देखने वाले को उसे देखकर लगेगा कि समझ आएगी कि इसको कोई बहुत गहरा दुख है, कोई बहुत गहरा झटका लगा है। सो इनेक्टमेंट, अभिनय जो है, अभिनय इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड ड्रामा। ये सारी रस थ्योरी का स्ट्रक्चर लाइफ में होता है, ये सारा सब कुछ, क्रोध है, अद्भुत है, विस्मय है, करुणा है, शोक है, रति है, लव, ये सब लाइफ में होता है। परंतु जब हम उसको इनेक्ट करते हैं, जब हम उनका अभिनय करते हैं, तो वो ड्रामा का ड्रामा बन जाता है। अभिनय करने से इट बिकम्स ड्रामा। सो द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड ड्रामा, देर आर मोर डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ एंड ड्रामा। देर इज फॉर एग्जाम्पल, in a drama you can replay, drama can be replayed, in life there is no replay. That is a very major difference between life and drama. But then drama is an enactment of an experience, and in order to understand ras theory you have to understand the human experience. It is experience, something happens, vibhava, something happens. For example, in this case it happens to somebody, and it happens in a context. Whatever happens, it happens to somebody, Ashray, and it happens in a context, Udipan, and it has a subject. What happens? Death in this case, and death of a son who is young. That is the context, and the result is grief, shok. Shok is the sthayi bhava. Sthayi bhava is the product of this actual experience. So actual experience produces sthayi bhava, shok. Eight sthayi bhavas are there, while totally manage aisa kar waisi karo laga do koi baat nahi mujhe ek kaam hai aaj. So this you see the sthayi bhava, there are eight ras. भाव ही रस बनता है, भाव ही रस। बहुत शोक जब आप किसी का देखते हो, किसी को बहुत दुखी देखते हो, तो आपको कंपैशन होता है, करुणा होती है। सो
one question that you will have to ask yourself when you are reading Natyashastra is whether Ras is an experience of the experiencer or is it an experience of the observer? क्या जिस व्यक्ति को शोक होता है क्या वो भी करुणा पे पहुंचता है खुद करुणा पे? हाँ पहुंचता है दूसरों के लिए। उसने अपना दुख इतना देखा होता है कि जब वो दूसरे का किसी का वो दुख देखता है तो उसको कंपैशन होता है करुणा। पर ऑब्जर्वर अब ये वही प्रोसेस ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर किसी दूसरे का दुख देखता है एक्टर के थ्रू, दूसरे का दुख देखता है और उसे कंपैशन होता है। सो द प्रोसेस ऑफ भाव बिकमिंग रस, रस निष्पत्ति कैसे होती है, भाव से रस कैसे बनता है? भाव को समझ के अपने अंदर आत्म साक्षात करके उसको अपना बना के, when you make that experience your own, then that bhav takes the shape of rasa, karuna, compassion. अगर आप किसी के grief को आप deeply समझ नहीं सकते, मैं समझ नहीं सकता, तो मुझे करुणा नहीं आएगी। मैं कह दूंगा हाँ यार होता रहता है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। काफी लोग हैं जो बहुत गरीब व्यक्ति को देख के ऐसे ही निकल जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो अटक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अटक जाते हैं, कुछ उनके अंदर की चीज अटक जाती है। तो जब वो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उस भाव का, तो वो भाव जो है वो रस का रूप ले लेता है। सो जैसे शोक बिकम्स करुणा, रति बिकम्स श्रृंगार, एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट बिकम्स विस्मय, वंडर एंड अद्भुत एंड लाइक दैट। तो ये प्रोसेस जो है इसको समझना, और ये रस थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। द डिफरेंस बिटवीन रस इन लाइफ एंड रस इन ड्रामा इज दैट इन लाइफ इट हैपन्स, इट मे हैपन टू समबडी एंड यू मे सी, यू आर नॉट सीइंग ए ड्रामा, यू आर एक्चुअली सीइंग समबडी, और यू मे सी ए प्ले, यू मे सी ए प्ले, बट द डिफरेंस विद द प्ले इज that in real life you see the actual sufferer, but in the play you see somebody enacting that sufferer. And if it is drama, then you see a person. If it is a story, then you don't even see the person, then it is the language, the words which help you create that person in your mind. You create that person in your mind. When you read prose, when you read a story, तो आईना पोटापाव इमोबाइल बैठा हुआ है, आप पढ़ते हो। So there, you know, you will different readers will react differently. Sahridaya, if you are a reader who is as sensitive, as evolved, as the person who is suffering, then you will see that happening, you will see that and feel the same, experience the same. Now, for example, I just gave the example of Meera, that actually when she is singing there and she is beseeching the Lord, these are my last moments and all that, then you also cry. No, you are not involved, you are not there, you are watching only a narrative, you are not even watching a real person. But art has that great quality. Art transforms you. Art liberates you from your narrow self. We people are generally aware only of our own suffering. We know only our own. Apna dukh hame pehchan mein aata hai. Dusre ka dukh samajh nahi aata. Parantu, jab hum kisi ke dukh ko ऐसा समझते हैं, ऐसा देखते हैं कि हम भी रोने लग जाते हैं, उस दुख को अपना बना लेते हैं, then you know, then you are a sahridaya and it becomes yours, then there is the rise of compassion in you.
as an observer. I used to narrate the story of, I think I'm going to stop now, काफी time हो गया है. I used to narrate the story of a film, Aradhana, you know, where it is Sharmila Tagore who falls in love with Rajesh Khanna, but in the film he is an actor, he is a pilot, and she is the daughter of a very rich family. They fall in love, they marry in a temple, and few days later that boy dies in an air crash, but she gives birth to a son and she gives it to the orphanage, but she keeps track, and when the boy is adopted by a family, she herself takes the job of the servant in that family, and then for 21 years she is the servant where her son is growing up as a rich son of a rich man. But she has an ambition that this boy should become a pilot like his father, and there is that girl there with whom that boy falls in love, who watches this woman very closely and understands that she is not just a servant. Her feelings for the boy, for the man, are such, this girl begins to understand. And then day when that boy becomes a pilot and he is to come land from the first flight, she takes Sharmila Tagore, the mother, who is now old, her hair are white now, she takes her to the airport, and Sharmila Tagore stands behind a door, and a plane lands, and the plane halts, fighter plane, canopy opens, and the boy comes out with the helmets, and he walks the same way as his father used to walk. And at that moment, you see Sharmila Tagore, who is that mother, old now, she is crying, and I also used to cry. Abhi bhi phir, I was about to be moved, I used to cry, and my daughter used to shout, जब पिक्चर देखते थे टीवी में, पापा जल्दी आओ, तुम्हारा रोने वाला सीन आ रहा है. Where you are going to cry. Now, why do I cry? Because for the moment, I am now out of my small self. I have become larger than myself. I have become nobler than myself. Because I am appreciating, I am understanding, I am empathizing with the grief of the other person. At this, that a person, art ennobles you, art enlarges you, it takes you out of yourself. This is captured by Abhinav Gupta in a wonderful phrase, which is the effect of rasa. Rasa ka effect jo hai art mein, sattva udrek prakashamay. There is the rise of sattva in you. Aap mein sattva ka rise hota hai. Sattva, purity ka. And prakasham hai, and everything becomes effulgent, and you become an effulgent yourself. Every mean thing goes out of you at that moment, for that moment, and you are nobler than yourself. So this is an experience of compassion, karuna, ras experience. The whole self is transformed. So a very interesting discussion in Abhinav Gupta, ras kya vastu hai? रस क्या ऐसी चीज है जो बनती है? रस क्या ऐसी चीज है जो प्ले में या फिल्म में या लाइफ में पैदा होती है? ना, नथिंग. ना ये पैदा होती है, ना ये वस्तु है, ना ये बनती है. ये तो एक अलग इंडिविजुअल की ट्रांसफॉर्मेशन है. इंडिविजुअल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो वो पूछा इन द डायलॉग, इन द फेमस डायलॉग इन अभिनव गुप्त, द पर्सन आस्क्ड, what kind of a thing it is? It does not exist. It is not an object. It does not become. It is not produced. Then what is it? And Abhinav says, the Guru Bhattanayak or whoever it was, Bhattanayak says, yes, there are many concepts which are niralamban, jinka alamban nahi hota, aadhar nahi hota. They are concepts. But once you accept their reality, then you on the basis of that concept, you can build bridges and you can have spaceships. For example, E is equal to mc square. Now that power
power. Energy is equal to mass into velocity raised to power 2. It doesn't exist. You can't see it. It is not produced. But it is there. And once it is accepted, you are able to create spaceships. You are able to land on the Mars. You can plan going even deeper into the cosmic world. So Russ also, it is neither an object, nor something produced, nor something uttered. It is a transformation that takes place in the individual who either suffers or who watches the suffering. A transformation of the whole self. And there are 8 states of being, and that's why Bharat mentions Shantaras, but does not count Shant as the Ras, 9th Ras. He keeps it separate. Because all the rasa, all these experiences, ye jaise love hai, sorrow hai, enthusiasm hai, disgust hai, laughter hai, anger hai, fear hai, astonishment hai, these are jo maine shuru mein kaha, zindagi ki hawa ke thapede. Ye life mein hota hai. Ye itni badhiya expression, aap bade impressed honge, Kapoor sahab ne kya badhiya baat kahi, ye meri nahi hai. Jyada meri achhi baatein meri nahi hoti. कहीं ना कहीं से पढ़ी होती है। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लंकावतार सूत्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। लंकावतार सूत्र में कहा गया है कि the whiffs and the wasps of life, जिंदगी के जो हवा के जो थपेड़े हैं वो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो तो थपेड़े ही है ना। इमेजिन फ्रॉम ए चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न एंड हु स्माइल्स टू हिमसेल्फ to the child few days later who is now crying. Something has happened. It keeps on happening. And in life, as things happen to you, you gradually acquire more and more of experience. And these are chitta ki vritti hai. Chitta ki vritti hai. It is a shape that your chitta takes. Chitta. Chitta, you cannot pinpoint where it is. Atma, kahan pe hai? Yahan hai. यहाँ है, कहाँ है? और है जरूर, कैसे? क्योंकि अगर आपको नहीं तो माइंड है, कि माइंड है, मैं क्या है? मैं 5 साल का था, तो मैं मेरा इतना कद था, और मैं अब इतने साल का हूँ, इतना है, मैं 21 साल का था, तो मेरे अपीयरेंस और थी, अब मेरी और है, पर मैं तो वही कांस्टेंट है, मैं तो वही मैं है, शेप बदल गई, चेहरा बदला, अब इतना एक्सपीरियंस हुआ, फिर भी मैं इज मैं, तो ये मैं क्या है? इट इज नॉट द बॉडी, इफ इट वर द बॉडी इट विल चेंज, इट इज नॉट माय थॉट्स, बिकॉज थॉट्स कीप चेंजिंग, बिकॉज आई कैन ऑब्जर्व माय थॉट्स, मैं आंखें बंद करके, क्योंकि हम कहते हैं ना कई बार, अरे मेरा दिमाग बड़ा खराब है, उल्टी सूटी सोचता है, तो हमारा दिमाग उल्टी सूटी सोचता है, हम अपने दिमाग के विचार भी देखते हैं, तो ये देखने वाला कौन है जो अपने दिमाग के भी विचार देखता है? वो जो देखने वाला है वो सेल्फ है, दैट इज सेल्फ, उसे आप चित्त कह लो, उसे आत्मा कह लो, सांख्य में उसे पुरुष कहा है, चित्त भी कहा है, तो ये इसकी जो इस सेल्फ है आपका, मैंने कहा कि जब आप खुश होते हो तो आप ये थोड़ा कहते हो कि मैं यहाँ खुश हूं या मैं यहाँ खुश हूं, यहाँ खुश योर होल सेल्फ, होल सेल्फ, तो वो पूरा चित्त की एक वृत्ति, चित्त की वृत्ति बना, स्टेट ऑफ बीइंग, ऑल रसेस आर स्टेट ऑफ बीइंग, एंड रिमेंबर दे हैपन इन लाइफ, दे हैपन टू अस, दे हैपन टू अदर्स, दे हैपन टू अस आल्सो, स्थाई भाव जिनको कहा जाता है, स्थाई इसलिए कहा जाता है कि दे हैपन टू प्रैक्टिकली एवरीवन, एंड दोज एक्सपीरियंसेस, एंड इफ यू आर लकी और अनलकी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट, you will fall in love more than once. For some people, it will be unfortunate. For other people, it will be fortunate. But then, it is sthai bhav because it happens again and again. Because it happens to everybody. And once it happens, it has a long-lasting effect on you. Long-lasting effect. That's why it's called sthai bhav. It's not a vyabhichari. It's not an auxiliary bhav. Like danya vagaira, self-pity. Or self-pity to thodi der ke liye karenge, उसके बाद जब बढ़िया कॉफी पियेंगे तो ठीक हो जाती है, सेल्फ पिटी।
या चोट लग गई सुबह सुबह, चल पिटी हो गई, पर दोस्त के साथ बैठे और वो अशोक जी की तरह दो पैग लगाए, अशोक जी तो लगाते नहीं, पर अगर अशोक जी लगा रहे हैं तो वो सेल्फ पिटी खत्म हो जाएगी। तो सेल्फ पिटी जो है, दैन्य भाव जो है, ये स्थाई नहीं है। बट इफ यू फॉल इन लव, इफ समबडी डाइज, इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम समबडी, और इफ समबडी एंगर्स यू, यू सी देयर आर बेसिक एक्सपीरियंसेस विच आर अनफॉरगेटेबल एंड दे लीव ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन यू, ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन यू। सो दिस इज इट सर। एनीवेज आई थिंक आई स्टॉप हियर एंड मे बी सम अदर डे वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू वेरी मच सर। 12 प्रश्न हैं रस के बारे में और मैंने 2 या 3 का आंसर दिया है अभी, फिर मौका मिलेगा। मैं हटने वाला नहीं हूं आपके पीछे से, खानपुर वालों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन। प्रणाम सर। नमस्कार कपूर सर। नमस्कार सर, भूपेंद्र बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ अच्छा अच्छा, कैसे आप, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है सर? अरे अच्छी बात है, वेरी नाइस ऑफ यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। अभी मैंने उसको भी देखा है, इंग्लिश की लड़की कौन है, शालिनी मैम। हाँ शालिनी मैम, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। She wanted to avoid saying namaskar. तो इसने एकदम off the camera off कर दिया इसने। नहीं सर, actually मैं कुछ setting कर रही थी कैमरे की। अच्छा। कैसे हैं सर आप? देख लो ठीक है, कैसे लग रहे हैं, वैसे ही है। हाँ जी। सर अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के, और आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। Thank you so much. हाँ जी। You are kind people. हाँ जी। सर, आई स्टिल वंडर, वो शांत रस का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि वो रस नहीं है, वो रस नहीं है, लेकिन मैं होती तो उसको रस में जरूर डालती, वो तो सबसे ही अच्छा रस है ना फिर। देखिए रस क्यों बताए हैं सर? नहीं, वो अल्टीमेटली वो उसी में जाके मर्ज होते हैं, उसी में से निकलते हैं। शांत रस बता देते ना, शांत रस एक झील की तरह है जिसका पानी बड़ा हवा लहरें नहीं है जिसके ऊपर, ऐसी कोई झील हो जिसके ऊपर लहरें नहीं है, है ना, वो शांत रस है। फिर जब हवा चलती है जिंदगी में तो लहरें उठती हैं, बड़ी छोटी, है ना। जब फिर वो अंधेरी या हवा खत्म हो जाती है, फिर वो पानी जो है स्थिर हो जाता है। तो हाँ, पानी तो झील में ही आके रुकेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। झील में आके नहीं, झील के पानी को ही शांत कहा है जी, वो कहीं से आता नहीं है। मैंने कहा झील का जो पानी है, ऐसी स्टेबल झील जिसमें कोई ऐसी झीलें होती हैं जहाँ ऊपर बिल्कुल प्लेन वाटर, हाँ, पर जब अंधेरी चलेगी तो उसमें लहरें उठेंगी। जिंदगी भी कई लोग अपने को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कि वो उस शांत झील की तरह मोस्टली रहते हैं, बहुत कम प्रटर्ब होते हैं। तो उसको भाव ही कहा जा सकता है, रस नहीं कहा जा सकता, शांत भाव में रहते हैं वो। नहीं, भाव शांत का भाव नहीं है, शांत रस का भाव है निर्वेद, वो भाव ही भाव अलग है। शांत रस के लिए एक प्रकार की नॉन अटैचमेंट, एक प्रकार की त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के पार्टिसिपेट करना, त्याग करके उसका निर्भेद। मैंने जो आपको रवि भूषण जी किया ना 5.2 5.3 5.4, वो चार्ट है वो दे दीजिएगा, उसमें 5.4 निर्भेद पर ही है, निर्भेद, निर्भेद एज दी एज द रस, एज ए रस शांत, एज ए नॉट रस, एज भाव ऑफ शांत रस। अब एक पूरा सब्जेक्ट है, पर देखिए क्योंकि मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको दी, माता ही क्या क्या कहती हैं, शांत हो जा, ज्यादा वो गुस्सा करेगा तो शांत हो जा, ज्यादा खुश होगा तो कहीं शांत हो जा,
ज्यादा कोई दुखी होगा तो कहते शांत हो जाओ ना। तो ऑल जितने जिंदगी के हवा के थपेड़े हैं वो अल्टीमेटली रुकते हैं, थम जाते हैं। उन थमेंगे नहीं जिसे ऋग्वेद में रित कहा है, रित इक्विपॉइज या इक्विलिब्रियम, वो नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो लाइफ चलेगी नहीं। द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्मोस इज रित। रित को पंजाबी में कहते हैं रीत, भाई रीत यही है। हर चीज की एक रीत है, मतलब एक इक्विपॉइज है, एक इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है ना? वो डिस्टर्ब होता है। सो ऑल द भावास आर डिस्टर्बेंसेस बॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस। डेजी इतने ज्यादा नहीं सोचते सर। आत्मा आती भी शांत रस से, और अल्टीमेटली वो जब है आत्मा अगर कहे जो भी ह्यूमन बीइंग है एक तरह से शांत से ही, मतलब शांत ही होता है जब धरती पर अवतरण होता है, और अल्टीमेटली हर भाव उसका जो आता है, हर रस लेता है, तो अल्टीमेटली शांत रस में ही जाना होता है। एक सर प्रवृत्ति नहीं समझ में आया था, प्रवृत्ति का कोई और मीनिंग भी होता है ना। प्रवृत्ति एक टेंडेंसी भी होती है ना। जी। प्रवृत्ति टेंडेंसी, वो टेंडेंसी को ही एक्सटेंड किया हुआ है नाट्य शास्त्र में, खासकर जब वो काव्य पुरुष नाट्य शास्त्र उसमें राजशेखर में किसी जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ड्रेस और होती है और नॉर्थ वेस्ट में और होती है, जमुना के इधर पजामा होता है, जमुना के उधर धोती होती है, पगड़ी जो है ईरान से लेके महाराष्ट्र तक पहनी जाती है और जमुना पार टोपी आ जाती है, बाद में असम जाते जाते टोपी भी उतर जाती है, फिर दूसरी प्रकार की पगड़ी शुरू हो जाती है। ये प्रवृत्तियां हैं बाहर से जो सर, जो टेंडेंसी के लिए कहा जाता है, कहीं सेंटेंस सुना कि एक पर्टिकुलर एज के बाद इंसान अपनी प्रवृत्तियों पर काबू पा लेना चाहिए या पा लेता है। तो एक जो शब्द है ना वृत्ति, वृत्ति है बेसिक प्री डायलेक्शंस जो आपके चित्त में आपकी टेंडेंसीज जो बनती हैं मेंटल इमोशनल, वो जब बाहर किसी एक्शन में प्रकट होती हैं फिर वो प्रवृत्ति हो जाती है किसी, और इसलिए उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। थैंक यू सर। आई वुड स्पेशली रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स इफ दे हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, दिस इज हाई टाइम दे एड्रेस देयर क्वेरीज। यस प्लीज। सब शांत, एनीबडी एल्स? सब शांत रस में चले गए हैं सर। नो क्वेश्चन सर। I think Neeti was trying to say something. Neeti is there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, मैं ये कह रही थी कि क्या शांत रस का भाव शून्यता का भाव हो सकता है? जो बोधिसत्व बनते हैं जब शून्यता में चले जाते हैं, वो और शांत रस एक ही बात है? रजनीश जी बताएंगे। रजनीश जी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। यू आर यूजिंग ए टर्म फ्रॉम अनदर सिस्टम। अगर अगर नाट्य शास्त्र में देखा जाए तो बेसिकली शायद, आई डोंट नो रजनीश जी, वेदांत बैकग्राउंड में है ज्यादा, शैव भी है, शैव सिद्धांत भी है। पर जो शून्यता जो है ये बौद्धों का कॉन्सेप्ट है, और इलिमिनेशन ऑफ शून्यता इज नॉट एब्सेंस, इट इज नॉट ए नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। ये वैक्यूम हम जिसको कहते हैं, तो वैक्यूम नथिंगनेस नहीं होती। तो शून्यता को आप कैसे समझेंगे, तभी आप उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, पर आपको इफ एंड बट जरूर लगाना पड़ेगा।
however, if and but, क्योंकि the two terms belong to two different systems. Sir, anyone else who would like sir, to ask? Sir, good afternoon, sir. Shruti is from Central University of Kerala, so you can take up a question after Rani. Sir, good afternoon. Can I be heard? Can you hear me? Ego Rani bol rahi hai. Haan ji, sir. Namaste, sir. Namaste, namaste. Haan ji. Sir, maine promotion kar di hai Rani ki. Isko main telephone pe aajkal Maharani kehta hu. Acha. Sir, your blessing. Bolo, bolo. Haan ji. सर मैं बस ये सोच रही थी हैप्पीनेस को खुशी को जो हम जिंदगी भर ढूंढते हैं किसी फॉर्म में या हम कभी उसको एक फॉर्म में देखते हैं तो कभी दूसरे फॉर्म में देखते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म इज नॉर्मली सीन एज दैट देयर ऑब्जेक्टिव और उनका जो पर्पस है वो खुशी के लिए ही करते हैं जो करते हैं हालांकि आई विल नॉट जनरलाइज दिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस कैन बी सब्जेक्टिव टू यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चर्स तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है सर खुशी और रास मतलब खुशी में कौन सा रास होता है और क्या जो विभिन्न जो रासा की आप बात कर रहे हैं उनको किस फॉर्म में खुशी से रिलेट किया जा सकता है जैसे शांत भाव ठीक है क्या शांत भाव नेसेसरीली खुशी होगी या खुशी में के भी अपने अलग अलग स्टेट्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट लाइफ स्टेट्स होते हैं हेल हो सकता है हंगर हो सकता है एनिमैलिटी हो सकता है पीस हो सकता है एनलाइटनमेंट हो सकता है वेयर यू देयर कैन बी स्टेट्स वेयर यू आर मोर सेल्फ रिट्रोस्पेक्टिव एंड यू आर क्रॉस क्वेश्चनिंग योर ओन बीइंग एंड सेल्फ एंड मूविंग बियॉन्ड दैट तो खुशी को हैप्पीनेस को आप रासा की थ्योरी के हिसाब से कैसे देखते हैं जैसे एक ही अंडरस्टैंडिंग भी है कॉमन की जरूरी नहीं है खुशी का मतलब जिंदगी में परेशानियां ना हो का मतलब खुशी हो सो या जस्ट सिंपल दिस थिंग तूने जो लेक्चर दे दिया है ना नहीं सर नहीं नहीं देखो ऐसा है हैप्पीनेस खुशी जिसको आप कहते हो वो इट डिमांड्स ए डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या मतलब है आपका व्हेन यू से हैप्पीनेस माइंड यू इसमें जो प्लस पॉजिटिव जो रस हैं पॉजिटिव हैप्पीनेस कहीं नहीं उसे इस प्रकार के जिस सेंस में आप कह रहे हो पर प्लेजर इंजॉयमेंट हास्य जो है ना लाफ्टर खुशी में हंसना है ना खुशी वो इसमें आता है हास्य आता है अब आपका जो प्रश्न ये है कि इसमें क्या हैप्पीनेस को ये इस थ्योरी में कहाँ रखेंगे आप है ना हाँ जी सर हैप्पीनेस को पर पहले ही तो को हैप्पीनेस माइंड यू हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस क्योंकि बौद्ध कहते हैं कि सुख तो कुछ होता ही नहीं इवन यू व्हेन यू परस्यू दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट बाय हैप्पीनेस वी सिंपली मीन नॉन प्रेजेंस ऑफ अनहैप्पी थिंग्स और अनहैप्पी एलिमेंट्स जब नेगेटिव चीजें नहीं रहती हैं तो उस स्टेट को हम कहते हैं हैप्पीनेस हैप्पी पॉजिटिवली कोई कभी एक पर्टिकुलर कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसकी बड़ा मुश्किल है पर अनलेस यू आर कैपेबल ऑफ शांत यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू हैप्पीनेस अनलेस यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ इन शांत where the because the waves of your mind and heart and your body they are the ones which create disturbance non disturbance jab tak hum usme train nahi karenge apne aap ko to happiness as such mere khayal mein us non us stage mein
वो जो स्टेज होगी दिस ऑफ नॉन डिस्टर्बेंस, इन दैट स्टेज आई डोंट थिंक दैट वन विल लुक फॉर थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, प्लेजर और जॉय और सोरो और समथिंग. यू सी, आई डोंट थिंक इट, आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग अलाउड विद यू. तो शांत कम्स क्लोजेस्ट टू, क्योंकि जिसको हम लोग हैप्पीनेस कहते हैं ना, वो ज्यादा कई बार प्लेजर होता है या एक बेनिफिट होता है, कोई फायदा हो गया, कुछ लाभ हो गया, कुछ अच्छा हो गया और हमें किसी चीज से खुशी मिली, चाहे हमें फर्स्ट डिविजन आ गई, टॉप कर गए, तो आई एम वेरी हैप्पी. तो हैप्पी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट कम्स क्लोजेस्ट टू हास्य. When you are happy, you will laugh, you will smile, you will not cry, certainly not. Or you can, in fact, you can shed, sorry, I'll put on this battery, my battery is running out, just a minute. I was saying that there can be tears of joy, just as there can be tears of suffering. But उनकी भी quality अलग होती है ना. तो but वो जो शोक जो है, उस वाले tears नहीं होंगे अगर आप happy हैं तो. तो happiness का जो closest आता है रस इसमें, वो हास्य है. हास्य का मतलब ये नहीं हंसना. हास्य is where your self, your whole self is cheerful, is infused with cheerfulness. That is hasya. Baki happiness to bada problematic hai. What is happiness? How to become happy? If you go looking for your happiness, you will never get happiness. You will get happiness only if you look for happiness of others. अपनी हैप्पीनेस ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं. तो हैप्पीनेस भी एक फॉर्म, अल्टीमेटली इलिमिनेशन ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ, इलिमिनेशन ऑफ दैट. एंड इफ इलिमिनेशन नहीं तो अबिलिटी टू एक्सेप्ट, सो दैट दे लीव नो इफेक्ट ऑन यू. एस्केपिंग द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग अनप्लेजेंट, दैट अबिलिटी, दैट वृत्ति जो चित्त की बनती है वो शांत है, अनडिस्टर्ब्ड लाइक द सरफेस. समुद्रों डूंगे, रिवर्स विच आर डीपर देन द ओशन, वो बिल्कुल स्टेडी वाटर होता है उनका, स्टेडी. सर तो फिर हम ये भी कह सकते हैं फिर इसका मतलब इज इट अ लाइफ कंडीशन देन? लाइफ कंडीशन मेरे ख्याल में तो मोमेंटरी ही होती है. नहीं, लाइफ वही मैं कह रही हूं. बट अगर निर्वाण प्राप्त हो गया या मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर वो परपेचुअल शांत स्टेट जो है वो रहेगी, अदरवाइज तो परपेचुअल स्टेट नहीं रहती. कोई भी इसमें स्टेट परमानेंट नहीं रहती, नथिंग, ट्रांजिएंट्स मोमेंटरी होती हैं, कुछ थोड़ी ज्यादा कुछ थोड़ा कम लास्ट करती हैं, बट what do you say? Are you yes, happy? Yes, are you sir. happy yes, continuously 24 hours? सर वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि एक ऐसा एक ऐसी स्थिति आपकी एक लाइफ कंडीशन जिसमें आप अनअफेक्टेड रहते हैं और शांत. हाँ वो तो देखिए अगर वो तो पहुंच गए तो हमारे आम भाषा में कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है ये, है ना. अगर आप वहां तक पहुंच गए, अगर आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया या मोक्ष सिद्ध हो गया आपका इसी जीवन में, प्रज्ञ सर. हाँ हाँ, ये अगेन रजनीश जी का एक आर्टिकल है, स्थित प्रज्ञ का भाषा. रिमेम्बर स्थित प्रज्ञ,
स्थित प्रज्ञ होंगे तभी शांत रस में तभी शांत पॉसिबल होगा, पॉसिबल पॉसिबल होगा, और तभी वो जो हैप्पीनेस तुम कह रही हो ना वो तभी पॉसिबल होगी. सो दैट इज एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब जो आप कह रहे हैं. और ये जो हम जो बात करते हैं मटेरियलिस्टिक, ये कहीं ना कहीं रिलेटिव रह जाती है. I think that now it is turning into philosophy and conversation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I don't think it's the right platform for this. आप तो पास ही रहते हो प्रोफेसर कपूर के. ये ज्ञान उनसे वहाँ प्राप्त करो. हाँ, ये रस की बात नहीं रही अब. ये जीवन दर्शन पे पहुँच गए हो आप. Absolutely, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, we have. Wide up. In fact, we have another question from a scholar from Central University of Kerala. Shruti, are you there? Ask your question, please. Yes, sir. Sir, I wanted to ask a question about Sahriday. I can't see you and I can't answer you. Okay, sir. Sir, actually, I've joined from a different account. Okay. Can you tell me that? All right. Tell us. Shruti is daughter of Sushant ji. Is she? Yeah. अरे क्या बात है, कहाँ पढ़ती हो? Sir, केरला में. I just अभी graduate किये sir, masters खत्म हुआ मतलब. अच्छा तो बेटा तू जो मुझे पूछ रही है तू पापा से पूछ लेना. Sir, actually, पापा भी तो बड़े अधिकारी, नाट्य शास्त्र पे PhD थी उनकी. अच्छा बताओ, पूछो. सर एक्चुअली आई रेड इन साइकोलॉजी अबाउट अ फेनोमेनन कॉल्ड मिरर टच सिनेस्थीसिया. सो मिरर मिरर टच छूना. हां मिरर टच सिनेस्थीसिया काइनेस्थीसिया. तो सर व्हाट हैपेंस इन दैट इज दैट when suppose I am watching something, a character on television or stage, and suppose if the character is being shot on a leg or anything happens to character, someone holds character's hands or pulls his leg, something, so I will also feel that same sensation. I cannot exactly say same, but similar sensation in my own leg in that exact spot. So is that sahriday? Is sahriday, basically I'm trying to ask, is sahriday only mental or is it it can be physical also, because we cry also, right? And this mirror touch synesthesia also comes under cognitive empathy. Mm. Which I found similar to sahriday. You see, it is basically mental. And the tears that you mentioned, they are a outward expression of what has happened inside. What has happened inside, isn't it? And therefore, sahridaya is very close to what you have saying, that the person who can empathize completely with the other person. जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हो और आप देखो कि आपके सामने अचानक उसकी उंगली दरवाजे में आ जाए बहुत जोर से, वो उसको खूब दर्द दर्द से, तो एक मिनट के लिए आपको भी झंकार सी होगी ऐसे, है ना, झकझोर देगी आपको. तो ये जो मिरर टच किनेस्थीसिया है, ये इसलिए कि यू आर empathizing completely, you know, you are becoming one with the person, and therefore it is certainly that three words are used for auditors of a play. Prekshak, observer jo hai wo by reasoning and interpretation एक्सपीरियंस करता है. दूसरा है सामाजिक, सोशल, वो है कलेक्टिव एक्सपीरियंस,
जनरलाइज करता है पहले उस एक्सपीरियंस को, जनरलाइज करता है कि फिर उसको वो अपने तक लाता है जनरलाइज करके। एंड थर्ड इज के आपकी सेंसिटिविटी वही है जो एक्सपीरियंसर की है, यू फील दैट, यू फील एग्जैक्टली एज इफ इट इज पॉसिबल समटाइम्स। आई थिंक ए मदर ऑफन एक्सपीरियंसेस दिस काइंड ऑफ फीलिंग फॉर द चाइल्ड, कंप्लीट एम्पैथी। वो आई थिंक ओनली इन दैट रिलेशनशिप दैट इज पॉसिबल, और इट इज परहैप्स पॉसिबल इफ यू हैव बिकम ए वेरी एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग, एंड निर्वाण में या मोक्ष में, दैट यू कैन रियली सफर फॉर अदर्स। जैसे बोधिसत्व जिसने किसी ने वर्णन किया है, वो रोज सुबह घर से निकलता है और जहां कोई चीज दुखी जानवर भी देखता है तो उसके लिए कुछ करता है ना? तो योर रीडिंग इज करेक्ट, आई सपोर्ट योर दैट इज सहृदया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेसिडेंशियल एड्रेस, and the presidential address is to be delivered by our honorable vice chancellor Professor Sushma Yadav, but before I invite her to the dais, I would like to say something about her and inform the students who in fact are not aware about. We people are associated with her, so we know about her, but then those who are new, perhaps they know her only as the vice chancellor of the university. So I would like to inform them about her achievements and her career. Professor Sushma Yadav, she has been an eminent political scientist, and before coming to this university as vice chancellor in 2018, she was a professor of public polity at Indian Institute of Public Administration. Madam has also been the chair professor of Dr. B.R. Ambedkar Chair in Social Justice. She has also been the pro vice chancellor of Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Presently, apart from being our vice chancellor, she is also a member of the UGC and a member of the Press Council of India. Professor Yadav has had an illustrious career of almost 4 decades, and she has more than a dozen books to her credit, and so many research papers, research articles in journals of repute. Madam has also been actively engaged in evolving teaching pedagogy and developing curricula. So she has designed core courses on social justice and administration for Indian and foreign civil servants. She has also conceptualized several pedagogical reforms in the teaching of the subject of political science. Understandably so, she has been one of the eminent political scientists. She has also been involved in planning, implementation, and evaluation of policies, and in particular, academic policies. She is the recipient of several awards and medals, prominent among them being Rai Bahadur Gauri Shankar Memorial Medal, Maharshi Karve Memorial Prize, ICSSR Doctoral Fellowship, Inter-University Associateship at Indian Institute of Advanced Studies at Shimla. She has also been conferred upon several awards, such as Women Leader Award, Mahatma Jyotiba and Kranti Jyoti Savitri Bai Phule Award, First Phule Balijan Ratna Samman, Jeevak Shikshak Puraskar, National IFJA Kasturba Award, National Leader Award,
and so on. Again, the list is quite long, and I may go on citing from the list, but then time demands that I invite Professor Sushma Yadav, Honorable Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, to deliver her presidential address. Over to ma'am, please. Thank you, Ashok ji. Thank you so much. वैसे तो इतना सुंदर भावपूर्ण और रसपूर्ण उद्बोधन दिया है प्रोफेसर कपूर ने कि इसके बाद मुझे नहीं लगता उनका कोई मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे सकती हूँ। आज हमने गलत किया, हम उनका स्वागत ही कर लेते तो अधिक अच्छा होता, परंतु आपने मुझे दायित्व सौंपा है तो सर आई विल श्योरली ट्राई। आपके बोलने के बाद बोलना भी कठिन है। I will just try as modestly as possible. Most respected Professor Kapil Kapoorji, Chairperson, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, Rector JNU earlier, and an acclaimed scholar of literature and linguistics, Dr. Ashok Verma, Professor, Department of English, and convener of the lecture, Dr. Ravi Bhushan, Chairperson, Department of English, Professor Rajneesh Mishra from JNU, I'm happy to see him, Professor Mahesh Dadhich from our university, Dr. Renu Yadav, whom I think Professor Kapoor also remembered, and there is a connect, so, and she is from, I think, outside this university, all my dear faculty colleagues from this university, because if I take name of all the names, then I think the time will be gone. आप सब का क्षुधा भाव भी जागृत हो रहा होगा जल्दी ही। तो all the faculty colleagues from the Department of English and from the other departments, invited guests, interested scholars, researchers, and my dear students who are part of it. What a beautiful occasion! The doyen returns, I can say. Professor Kapoor, जिस प्रकार से हर एक का नाम याद रख रहे हैं और जिस भाव से सबकी स्मृतियां उनके मस्तिष्क में अभी तक उतनी ही ताजा हैं, मुझे लगता है हम युवाओं से भी अधिक, इन युवाओं से अधिक ताजा आपके मस्तिष्क में है। तो जो हमारी सुंदर परंपरा, ओरल ट्रेडिशन जिसकी आपने बात की सर, यू कैरी दैट विद यू एंड विद सो मच मोडेस्टी, सो मच ह्यूमिलिटी, दैट इट्स ए लेसन टू लर्न। I'm so happy that you have given us time today for this lecture on rasa in natya shastra. आपकी जो विनम्रता है वो बहुत, मैं कहती हूँ, जबरदस्त विद्वत्ता के बाद ही आ सकती है। वो विनम्रता जो इस समय ये कह सकती है कि wherever we are today is not merely because we deserve it, but because of so many things in life. I think by this stage of life, we all know it. It's the right kicks, and it's the right pulls, and it's the right pressures, and it's the right moves. कोई भी नाम आप उन्हें दे दें, पर इसी तरह से हम पहुंचते हैं. But thank you so much, sir. It's a rare breed which can say it so openly, and you represent that rare breed of intellectuals of India. I am really happy myself and on behalf of the entire university that you've been associated with us. You've nurtured this university in many ways. You've nurtured this department. Not only this department, many departments here. So the foundations of this university surely have your bhav, your prerana, your utsah. All these are part of the growth of this university. So your very presence, I think, has given this department a fresh lease of life, a new lease of life, I would say. I can see in the faces and the involvement there. You have so beautifully given us the distinctions between the sutra, the shastra, the mimamsa, the sankhya, the tika, or the commentary, which has been part of Indian tradition. I think you could distinguish so beautifully and so simply between a nut, a natya, and nautanki, you know, which are part of us.
but we hardly, in fact, are able to differentiate between them or link them with the question of rasas in life or ras. You have beautifully compared the two traditions, the Western and the Eastern, the Indian and the rest of the global. Because, and you reminded us, I think it's high time that we all remember, never lose the oral traditions. Never lose the memory power. Even computers can't survive without memory. And human beings can surely surpass the memory of the computer because it doesn't get corrupted very easily. And the computer memory gets corrupted. Sir, you have reminded us, I hope, this generation takes this into account. Don't force your children only to learn from computer or store in the computer, because that's not very dependable. Depend on your own mind, which is the best computer ever made, because it's made by God. And therefore, sir, you please continue to guide this generation so that our oral traditions do not get lost. But this memory and this mastery over a subject comes only when you are ready to devote whole of your life to one simple rasa maybe, or one simple text, like, sir, you gave the example of a professor who had devoted his entire life to understanding one text. And I'm sure the beauty of classical text, or the beauty of a text which we call classic, lies in its reading, its interpretations, its, you know, every time new meaning which it gives to us. As many times we read it and we get a new dimension of the same text. And therefore these classics must be read again and again to really get into the real meaning, or the rasa as it is. And then you came to the central issue today, or the subject today, and reminded us that there are 11 elements of drama, and the first is rasa. And therefore, it's the Natya Shastra of Bharat Muni, which talks about rasa, if I recollect correctly, in chapters 6 and 7 of Natya Shastra. And there it establishes the theory of rasa and bhav, or the relationship between the two, the performer and the spectator. So you were the performer par excellence today, and we were all the spectators. And I think we swam with you through this lecture. And it was really a beautiful journey into bhav and rasa both. You reminded us of the days which were different than these. You reminded us, and I think my whole faculty must have remembered those young days when they just joined and you were there to guide them, to, you know, catch their finger and walk along. And I'm sure you have given them so much strength. So the students were asking, who is a Sahirday? The model spectator, or the ideal spectator who can swim with the bhava which is there and then enjoy that, this rasa. Enjoyment is involvement, is rasa. Like Professor Kapoor was saying, he watches that movie and he weeps along. I can recollect my father, sir, and we all used to earlier make fun of him, but I also belong to the same generation who used to weep with the heroine, and who would get angry with the hero, and who wouldn't get up, can't take food in between, because it's a question of relationship between what is going on in the stage and what we are feeling. You have given that so beautiful as Uddipak. So Uddipan, which takes us to different kind of bhavas, and then the rasas which come out of it. You have really said that the art is universal. The bhavas also can be universal. The rasas can also be universal. But how you feel is particularly yours. And that's why Shanta Bhav may mean something else to some, you know, one person, but may mean something else to the other.
बट गीत संगीत नृत्य मिलकर नाट्य बनाते हैं और इसी से भावों की उत्पत्ति होती है। आपने ये बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है आज। आई वुड से लाइक भरत से भरत मुनि सेज दैट विच कैन बी रिलिश्ड दैट विच कैन बी एंजॉयड विच टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ फूड इज रसा रस्यते अनेन इति रसा दैट्स व्हाट द नाट्य शास्त्र सेज। And you can see it when you watch a good drama, when you watch a good movie, when you watch a good play, or when you read a good book, the classics. आपने अनुभव गुप्त से और अभिनव अभिज्ञान शाकुंतलम की यात्रा जो हो सकती है वह हमारे सामने रखी है सर। एक जगह सिद्धांत है और एक जगह उस सिद्धांत के भाव हम देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हम देख ना रहे हो पढ़ भी रहे हो तो हमारे सामने शकुंतला भी आ जाती है, हमारे सामने उसका कष्ट उसकी उसका प्रेम भी आता है और अंत में जो करुणा उसके प्रति जागृत होती है वो भी आती है। ये सहृदय पाठक सहृदय श्रोता सहृदय दर्शक इन भावों का अनुभव कर सकते हैं। और फिर आपने बहुत सुंदरता से किस प्रकार शोक करुणा में बदल सकता है, किस प्रकार कुछ आश्चर्यजनक हमें विस्मय का भाव और रस प्रदान कर सकता है और उससे आप स्थिरता की ओर गए। एक झील का उदाहरण आपने दिया, झील की स्थिरता ही शांत रस को दर्शाती है, उसका प्रतीक है और अंततः वो निर्वेद भाव में भी परिवर्तित हो सकती है। आई थिंक दिस इज दी उत्पत्ति और निष्पत्ति ऑफ एक भाव विच इज ऑलमोस्ट a final, although nothing remains final in this life or human life. और सर आप यही नहीं रुके हैं, आप रित और स्थित प्रज्ञ तक भी हम सबको ले गए हैं। So from happiness, from enjoyment, from shok, from karuna, from shant bhav, it's ultimately nirved bhav. And if we go to rit and we go to the condition or situation of sthit pragyata, तो सारे भाव आठ रस जो हैं वो नवे में आ जाते हैं और जीवन वस्तुतः जो शायद डॉक्टर रानी टोकस जानने का प्रयास कर रही थी वो दर्शन में परिवर्तित होता है। आपके बोलने के बाद आपके इतने सुंदर इस उद्बोधन अभिभाषण वक्तव्य क्या कहूँ सर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचा होता है अध्यक्ष के पास, पर मैंने आपको सुना ये मेरा आनंद की बात नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। एंड यू हैव गिवन अस टाइम, आई थिंक दिस इज ए ग्रेट ट्रेजर फॉर अस विच वी विल चेरिश। आपने हमारे भाव जगाए, हमारे रसों को वस्तुतः अमूर्त रूप प्रदान किया है और उन्हें समझने का अवसर प्रदान किया है। I thank you from the core of my heart. Thank you very much. And on behalf of my entire university, I would compliment the Department of English, the Faculty of Humanities for organizing this and inviting Professor Kapil Kapoorji for this. Sir, you've been so benevolent and kind always. I wish this continues with the university. I'm sure Professor Ashok Verma has welcomed you as professor today. Yes. And I hope the department gets more energized after this. I don't see Amrita ji who was on the pamphlet. I hope her cooperation with the department continues like this and you keep on giving us gems. Although I don't think there'll be any gem after Professor Kapil Kapoor. रजनीश जी ने देखिए कहां ये गुरु शिष्य परंपरा है हमारे देश की, रजनीश जी से आरंभ हुआ और आज कितने स्नेह से कितने भाव विभोर होकर प्रोफेसर कपिल कपूर ने ये बताया है हमें और किस प्रकार वो जुड़े रहे हैं। लेट अस ऑल इनहेरिट दिस ग्लोरी दिस भाव एंड दिस रस विच विल मेक अस इमेंसली happy and contented in life.
Thank you very much. I thank all of you. And sir, I really thank you from the core of my heart and my respectful naman to you. Bahut kripa, dhanyavad. Namaskar. Thank you very much, ma'am. Thank you. Now it's time for the vote of thanks. And for that, I would like to invite Dr. Ravi Bhushan, Chairperson, Department of English. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, आप यहाँ होते तो लंच सब साथ लंच भी होता है अभी दूरियां तो आ गई हैं ऑनलाइन में है ना फिर मिलते हैं ऐसा कुछ हाँ जी जी प्रार्थना let's hope the time changes a little yes जी देखिए वैसे तो प्रोफेसर कपूर सर का धन्यवाद बार बार किया जा चुका है मैं उनका धन्यवाद सभी के साथ कर चुका हूँ लेकिन मेरा उनके चरणों में ये एक मेरी तरफ से मेरी अपनी भावनाएं हैं जो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ अगर विद्वान शब्द को समझना हो तो आई थिंक दो चीजें बहुत जरूरी है विद्वत्ता और सहजता ये दोनों गुण प्रोफेसर कपूर में प्रचुर भरपूर मात्रा में मौजूद है तो विद्वान शब्द को समझना है तो प्रोफेसर कपूर को देख लीजिए सुन लीजिए शब्द का मतलब पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाए ये पहली सेकंड सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को और प्रोफेसर कपूर के पूज्य माता पिता जी जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया एक ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में जो लाए जिनको हम सुन के समझ पा रहे हैं कि जीवन क्या होता है विद्वत्ता क्या होती है पढ़ाई क्या होती है अनुभव क्या होता है So my first thank, I think, goes to the Almighty and the most respected mother and father of Professor Kapoor. It's always a privilege and a great pleasure listening to Professor Kapoor. He has been with BPS Mahila Vishwavidyalaya for a number of years, at least for 4 to 5 years. And the relationship between Professor Kapoor and BPS Mahila Vishwavidyalaya is a unique relationship. It's a unique love affair between Professor Kapoor and the university. Because what he gave to the university, I think will be remembered and cherished by generations of teachers and students who will come to the university for the teaching and learning. And in return, what university has given to Professor Kapoor, I think those fond memories of Kanpur Kala, which he never forgets to mention as and when we you know, happen to listen to him. He always, you know, it's certain that he's going to recollect those memories of the university. So I think this unique relationship between Professor Kapoor and the university, I think we can learn from it that how to have this kind of a connect between the place where you work or you teach and the people who are there. So, sir, mera means dhanyavaad to main aapko kya kahun means ye hamara saubhagya tha ki aap yahan pe aaye और ये बॉन्ड जो हमारा आपके साथ बना ये कंटिन्यू ये जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की लेक्चर सीरीज है इनवाइटेड लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन क्लासिक टेक्स्ट पहला विचार जब मेरे मन में आया था मैंने सर को फोन किया था सर को मैंने कहा था कि ऐसा ऐसा करने की सोच रहे उन्होंने कहा था बिल्कुल उत्कृष्ट आइडिया प्रोफेसर सुषमा यादव जी ने जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर उन्होंने भी यही शब्द कहे थे बहुत एक्सीलेंट आइडिया है इसको आगे बढ़ाइए सर ने यह विचार दिया था कि नाट्य शास्त्र पे ये तीन लेक्चर हो सकते हैं दो लेक्चर उनके आशीर्वाद से हो गए हैं पहला लेक्चर हमारे सामने बहुत सम्मानित प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी हैं उन्होंने दिया जो एक इंट्रोडक्शन था नाट्य शास्त्र का और दूसरा सर ने ही आगे बढ़ के कहा कि मैं रस के ऊपर देना चाहूँगा क्योंकि तो प्रोफेसर धनंजय अभी ठीक नहीं थे तो थिएटर इन नाट्य शास्त्र पर वो बोला So, sir, on behalf of the university, on behalf of the entire class of people you groomed when you were at Kanpur Kala, on everybody's behalf, I think I am grateful to you. I express my deepest gratitude for today's lecture. I think it was an excellent discourse on rasa and natya shastra. Two things I remember, sir, from your speech. One, you said that the West has studied Indian classical texts. और पढ़ने के बाद उन्होंने जो खास बात थी जो हम नहीं कर पाए उन्होंने ऐसे टेक्स्ट क्रिएट किए हमारी टेक्स्ट को पढ़ के ऐसे नॉलेज सिस्टम क्रिएट किया कि जो एक दुनिया के लिए एक एग्जांपल बन गया हमने वेस्ट को पढ़ा तो ऐसा हम क्यों ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए
जो दुनिया के लिए एक मॉडल। आई थिंक ये एक वेस्ट और ईस्ट में एक फर्क रहा हमने और उनमें। दूसरा आपने कहा कि नाट्य शास्त्र बिल्कुल एक एक सिमियोटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक टेक्स्ट है, जिसको जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स अपने आप को जो बोलते हैं, आई थिंक दे मस्ट गो बैक एंड रीड नाट्य शास्त्र टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑल अबाउट। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर ऑडियंस। सुषमा जी सर नहीं बस जी मैं सुषमा जी मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ ये सारा सुन के। मैं मेरा हमारे मेरी मिसेज भी कहती हैं कि हमने खानपुर में गृहस्थी बसा ली। अरे वाह। हम लोग जब वहाँ गए हमने खानपुर में गृहस्थी बसा ली। दैट इज व्हाट मिसेज कपूर सेज। और इसी तरह वी मिस जैसे यू मिस योर फैमिली पीपल। यस यस। एंड वी मेट सम ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स देयर, आई टेल यू। नो डाउट। एंड नॉट अ सिंगल नेगेटिव वाइब्रेशन इन एनीबॉडी। So nice. Wonderful so place. हाँ जी. Nice, you give me hope, sir. और मैं ना इसलिए सुषमा जी मैं कहा करता था कि BPS नहीं करना चाहिए हमको। हाँ. भगत फूल सिंह का पूरा नाम लेना चाहिए। जी. क्योंकि उन्हीं की शायद उन्हीं के कारण इस वहाँ की जो धरती है ना उसमें कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं। हाँ जी. बिल्कुल ठीक है सर। तो आप इस गृहस्थी को भूले नहीं सर। नहीं जी हो ही नहीं सकता जी। सो नाइस। थैंक यू जी। कह रहा था कि आपके साथ रह के जो वार्म्थ और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो डिवाइन है सर। उनको भूला नहीं जा सकता, किसी भी तरह से भूला नहीं जा सकता। जो लोग आपके साथ रहे होंगे, चाहे एक दिन रहे हो, कुछ घंटे रहे हो, आई थिंक मैं भूल नहीं सकते। इनको इतना काम होता है कि कोई हिसाब नहीं। I know that she will now be spending hours, you know, late evening में जाके to finish. पर ये रस्तो सर कहीं नहीं मिलेगा। Kind of you, नहीं ये रस्तो कहीं नहीं। Kind of. It's a very great क्या ना चाहिए kindness तो है ही, but a great sense of appropriateness कहिए औचित्य। Thank you. Not many people have it. Thank you, sir. Bless I have seen any number of vice chancellors coming, sitting for 10 minutes and then saying, okay, I'm sorry, I have to something, some meeting to attend. तो वो अच्छा नहीं लगता है कई बार, क्योंकि उम्र तो हमारी ज्यादा होती है उनसे। जी, तो लगता है कि भाई इससे तो अच्छा हो कि आए ना, क्योंकि वो पूरा एक एक तरेड़, पंजाबी में कहते हैं तरेड़ पड़ जाती है, दरार है वैसे। हाँ जी, जैसे शीशा टूटता है ना जी, उस तरह का हो जाता है। So I am very, very thankful to you. Very, thank very you thankful. So much, sir. My pleasure. My privilege, right? My continuity of self and ideas remained. Yes. Kapoor sir, वो इसलिए है कि खाने में तो सेंड्रेस ही मिलेंगे, आज यहाँ तो हमको नवरस मिल गए। नहीं, मैडम भी बहुत मिस करती हैं। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। I can must continue to have this. Very good. Thank you, sir. हमारे प्रोग्राम में खासकर हमारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम पूरा वक्त देते हैं और पूरा सुनती हैं और अपने विचार भी साझा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम थैंकफुल टू द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रोफेसर अमृता इन एब्सेंसी ऑफ होस्ट फॉर हर कोऑपरेशन एंड फॉर फैसिलिटेटिंग इन पर्टिकुलरली दिस लेक्चर। For some reason, she's not able, she couldn't join this lecture, but I'm grateful and thankful to her for facilitating the lecture. I am very thankful to Professor Ashok Varmaji, who is the convener of today's lecture, for always being so forthcoming and for so supportive as far as the activities of the department are concerned. I think I tried contacting a few of my colleagues, but some of them are busy, but Professor Verma was very forthcoming and he accepted, and then I thought, it's going to be wonderful. So, sir, I'm so thankful to you. I'm thankful to the faculty of other departments of this university who have joined us for this lecture, for this distinguished lecture,
I'm thankful to the faculty of other universities. In particular, I'm thankful to Dr. Renu Yadav, who's from Central University of Haryana. And because she texted me saying that many of our students have also joined this lecture. So my special thanks to all such my colleagues and fellow teachers from other universities, from my own university. I'm very thankful to the colleagues in my own department for being there, for being so supportive, and for being very, very, you know, active as far as participation is concerned, especially Shalini ma'am and Geeta ma'am, they raised some pertinent questions during the discourse. So I'm thankful to all of them. I'm thankful in particular to Dr. Daisy, who is from BPS Yichen. I'm thankful to her not only for being in the lecture, but thankful because she had a long association with Professor Kapoor, not because she was part of LRC, but because of many academic endeavors were done together under the leadership of Professor Kapoor, and there were fruitful outcomes of those academic endeavors. So my special thanks to Dr. Daisy. And because she has given me any number of jackets. Jackets. Sir, please. Sir, aapka aaj woolen and cotton. I mai tabhi aaj aapne vare moj fakiran di na heeran di na peeran di kya baat itna inhone diya hai in every sense these people. And my special thanks to Professor Mahesh Tadich, who is the director of public relations of the university, because he never misses an opportunity when he is not there in our programs, especially the programs of the Department of English. He's always there, not only as the director of public relations, but also a person who's interested in knowing and listening to different aspects of knowledge. So thank you very much, sir. Lastly, I'm thankful to somebody who's very, very important, means our own students, because if they are not there, then what all is about lecture and what all is about these discourses. So I'm thankful to all my students who joined us. Initially, there were 100 of them. At least now 50 of them are there, 45 are there. So I'm thankful to all students. And please carry forward whatever you listen and whatever you learn from Professor Kapoor's lecture on Rasayan Natya Shastra, because Natya Shastra is a prescribed text in our courses run by the department. So I'm thankful to all of them. And sir, Dr. Renu Yadav has sent a special gratitude to Honorable Vice Chancellor that they got an opportunity to listen to Professor Kapoor and they were given the link and they could participate. So she has conveyed a special thanks and gratitude to the Honorable Vice Chancellor, to the Honorable Speaker, Professor Kapoor, and of course to the Department of Finance. So thank you all. Namaskar and have a great day. Very nice. Bless you all. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And pleasure. See you again. Yes. See you in June, sir. June 2021, sir. For the third lecture. Yes, yes. Very nice. Yes, yes. Fine, sir. Achha ji, namaskar. I'll talk to you. Namaskar, sir.
हेलो हेलो हेलो